कहते हैं खुद ही को करे बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है अपने आप की पर्सनालिटी को मानसिक भी और शारीरिक भी इतना पावरफुल बना दें, इतनी जबरदस्त बना दें कि आप जो बनना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, उसको आप इजिली हासिल कर पाओ। स्वागत है आपका इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फ्री कोर्स के अंदर। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत। मैंने कुछ महीने पहले एक कोर्स के बारे में डिस्कशन की थी कि मैं कुछ कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, और उसमें से आपके बहुत सारे कॉमेंट आए। केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा हमारे कॉमेंट्स आए और ज्यादा लोगों ने इसके बारे बात की कि हमें पर्सनालिटी के बारे में सीखना है। जब मैंने इस कोर्स को बनाने के बारे में सोचा तो इस कोर्स में 120 से भी ज्यादा पॉइंट्स निकल के बाहर आए, लेकिन उसको कम करते करते इसको मैं 44 पॉइंट में इसको आज समरी दूंगा आपको। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे कोर्सेज देखे, सभी को आज मैं आपको 44 पॉइंट में बताने वाला हूं। बताने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर इंप्लीमेंट आप ना कर पाए तो क्या ही बात रहेगी। एक किताब के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली बातें कुछ ही होती हैं। तो उन सबका निचोड़, उन सारे कोर्सेज का, वीडियोस का, बुक्स का, उन सबका निचोड़ और अपनी पर्सनल लाइफ का निचोड़ मैं आज आपको इस कोर्स के अंदर देने वाला हूं। इस कोर्स का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक ऐसी डायनामिक शक्तिशाली पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी कि जिधर आप खड़े हो जाएंगे, जो आप करना चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें हैं जिसमें आपको मानसिक तौर पर भी समझना होगा और शारीरिक तौर पर तो समझना ही होगा, क्योंकि तभी आप अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक एक करके 44 पॉइंट के अंदर। बहुत तेज चलूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना और अपने दोस्तों के अंदर, ग्रुप के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप के अंदर इसको शेयर कर देना, ताकि फ्री में सबको पर्सनैलिटी का यह फ्री पावरफुल शक्तिशाली कोर्स लोगों को मिल सके। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू सेट ए गोल। अपने लक्ष्य कैसे बनाएं, लक्ष्य कैसे होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को गोल के रिलेटेड, लक्ष्य के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो है गलत फैमिली है जो अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी और हर जगह एक चीज के बारे में जो बात की जाती है, वो कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो आपके गोल्स यानी कि आपके लक्ष्य लिखे होने चाहिए। मैंने भी चीज को जो है ट्राई किया और मैंने भी जब अपने लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने के ऊपर मैं काम करने लगा, गांव से मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की, तो तब मैंने एक गोल लिखा अपने लिए कि मुझे एक्चुअल में क्या बनना है। तो समझ में आया कि मुझे कम उम्र के अंदर एक सफल आदमी बनना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, इन सभी को करना है। लेकिन गाड़ी घर तो अलग चीज है, उस लायक बनने के लिए मुझे किन किन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने अपने लक्ष्य बनाया स्किल बेस्ड के ऊपर, मेटलिस्टिक चीजों के ऊपर मैंने अपना जो है गोल नहीं बनाया कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है या थार लेनी है, जैसे मैंने थार ली थी कि मैंने थार लेनी है, मैंने अपना घर बनाना है, मैंने अपनी लाइफ में ये फोन लेना है, वो करना है, ये गाड़ी खरीदनी है। मैंने ऐसे कोई गोल नहीं बनाए, मैंने ये देखा कि मुझे अगर इस चीज को अचीव करना है तो मुझे इतने पैसे चाहिए, इस पैसे को कमाने के लिए मुझे इस स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा अपने गोल्स को स्किल्स बेस ही बनाया। और मैं आपको भी ये रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप अपने लक्ष्य लिख रहे हैं कि आपको कामयाब होना है, तो कामयाब जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको जॉब करनी है, कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जिस काम को, जिस प्रोफेशन के अंदर मैं जाने वाला हूं, उसमें किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन की, पर्सनैलिटी की, प्रेजेंटेशन की, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बोलते कैसे हैं, पर्सनैलिटी कैसे होती है, सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, इन सभी के ऊपर आपको अच्छी खासी नॉलेज को गैदर करना होगा। तभी जाके आप अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जो सपने आज आप चाहते हैं कि आपके पूरे हों, अच्छा घर, गाड़ी या फिर एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं। हमेशा गोल ऐसा बनाओ जो आपकी स्किल्स के हिसाब से, जो आपको काबिल बनाने के ऊपर काम करे। खाली सपने दिखाने से गोल देखो ना पूरे नहीं होते, खाली सपने देखने से उसको गोल नहीं कहते, खाली सपने देखने से उसको हम सपने नहीं कहते। हमारे सपने वो होते हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला फ्रेमवर्क क्या है कि आपको अपने लक्ष्य बनाने हैं स्किल्स के हिसाब से। स्किल्स के हिसाब से लक्ष्य बनाओगे, पैसा अपने आप आएगा, सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरी थ्योरी है कि जिसको मैं मानता हूं, जिसने मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, 3.5 करोड़ रुपए तक की जर्नी तक आज मैं पहुंचा, तो यही मेरा फ्रेमवर्क है। दूसरा पॉइंट, हाउ टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंड। दिमाग की ताकत को कैसे समझे। दिमाग ना हमारा बहुत पावरफुल चीज है, इसमें दो तरह के घोड़े दौड़ते हैं, ये मैंने पढ़ा था किताब में। दो तरह के घोड़े हमारे दिमाग में दौड़ते हैं, पहला दौड़ता है नेगेटिव, दूसरा दौड़ता है पॉजिटिव। जिसको भी आप ज्यादा घास खिलाओगे, जिसको भी आप ज्यादा इंग्रेडिएंट्स दोगे जो उसको चाहिए, अगर आप नेगेटिव अपना जो है अगर माइंडसेट बनाना चाहते हो, दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहते हो, जिंदगी को बेकार बनाना चाहते हो, तो फिर आपकी संगत भी वैसी होगी। आप गलत न्यूज देखोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे, गलत खाओगे, गलत पियोगे, गलत चीजों को देखोगे, गलत चीजों की संगत में रहोगे। अगर आपको पॉजिटिविटी के साथ में जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने लाइफ में पॉजिटिव घोड़े को आपको मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, जो आपको दौड़ कर जीत हासिल करने में आपकी मदद करे, उसके लिए आपको
अच्छी किताबें, अच्छी बुक्स, अच्छे कोर्सेज, अच्छा मेंटर, अच्छे लोग, अच्छे लोगों की संगत आपको हमेशा बनाकर बरकरार रखनी होगी। ये दिमाग हमारा बहुत ही पावरफुल है। जब मैंने इस चीज को समझा तो मैंने उस दिन से अपने उन साथियों का साथ छोड़ दिया जो मुझे नीचे गिराने में मेरी मदद कर रहे थे। मैंने ऊपर उठने के लिए उन सबका साथ छोड़ा, अकेले रहा, अकेले काम किया और अकेले कामयाबी की तरफ अपने दिमाग को हासिल करता गया। लेकिन अब बात यह आती है कि एक्चुअली जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें अपने दिमाग को बहुत ही पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि जिस चीज पर आप फोकस करोगे वह चीज दिमाग के हिसाब से बड़ी हो जाएगी। आप डर के बारे में सोचो, डर बढ़ता जाएगा। आप अपने अचीवमेंट के बारे में सोचो, आपके अचीवमेंट बढ़ने के रास्ते आपको दिमाग देगा कि तू ये भी कर सकता है, तू ये भी कर सकता है, तू ऐसा भी कर सकता है, तू वैसा भी कर सकता है। मैं जिंदगी में कई बार फंसा, जब भी मैं फंसा, मैंने अपने आपसे सवाल पूछा, मेरे दिमाग से सवाल पूछा और उसने आंसर दिया भी, क्योंकि दिमाग हमारा जानता है, सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, ये इसको सक्सेस चाहिए, इसको सक्सेस के लिए किन किन फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ेगी, सही क्या है, गलत क्या है, सब हमारा दिमाग जानता है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है, हमारी कंडीशनिंग इतनी गंदी हो जाती है कि हम फिर समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सही और गलत को समझने के लिए आपको सही किताबें, सही कोर्सेज, सही वीडियो, सही मेंटर और सही आपको संगत की आवश्यकता पड़ती है। तो दिमाग की पावर क्या है, जिस चीज पर आप फोकस करोगे वह चीज बढ़ जाएगी। नेगेटिव घोड़े की तरफ फोकस करोगे नेगेटिव घोड़ा भागेगा, पॉजिटिव घोड़े की तरफ फोकस करोगे जो पॉजिटिव घोड़ा भागेगा। समझाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के। तीसरा पॉइंट है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैबिट्स, आदतों का रहस्य क्या है, आदतों का रहस्य क्या है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल वीडियो थी, काफी लंबी वीडियो थी, 28-29 मिनट की वीडियो थी। आज आपको शॉर्ट में बताऊंगा, उस वीडियो को जाकर आप एक बार जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आदतों का रहस्य क्या होता है। आदतों का एक रहस्य है, 21 दिनों तक जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो तो वह आपकी आदत में आती है, और 90 दिनों तक जब आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको पकड़ लेते हो, लगातार बरकरार रखते हो, तो वह आपकी जिंदगी की फिर एक आदत बन जाती है। आदत को आदत बनने में 90 दिनों का टाइम लगता है, जो आपकी पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहती है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, जब आप 90 दिनों तक यानी कि 3 महीनों तक उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, खत्म हो गई बात। आदतों का रहस्य क्या भाई साहब, 21 दिनों तक आपको आदत को बनाने में लगेंगे और 21 दिनों से 90 दिन तक आपको आदत को जिंदगी भर आदत बनाने में लगेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है ना। ये मैंने अपनी जिंदगी से बताया है कि एक्चुअल में आदत को आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, 21 दिन का आपको समय लगता है आदत को अपनी जिंदगी में अपनाने में, और जिंदगी भर उसको आदत में बरकरार रखने के लिए आपको 90 दिनों का टाइम देना पड़ता है। तो यानी कि जिस भी चीज को आप हासिल करना चाहते हो, जिस भी चीज को, जिस भी आदत को आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हो, 21 दिन उसको आदत बनाओ और 90 दिन के बाद वो आपकी जिंदगी की अपने आप आदत बन जाएगी। बस 90 दिनों का खेल है, 90 डेज का चैलेंज लो और आज अभी इस वक्त कमेंट में बताना कि कौन सी अपने आदत के ऊपर आप 90 दिनों तक काम करने वाले हो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की जी, नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें। नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, नेगेटिविटी का मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी यानी कि जो आपकी शारीरिक क्षमता है, जो आपकी मानसिक क्षमता है, उसको कम करने लगे, उसको खींचने लगे, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक शक्ति। नकारात्मक शक्ति आपको आपके परिवार के लोगों से मिल सकती है, आपके दोस्तों से मिल सकती है, आपके सोशल मीडिया से मिल सकती है, आपको किताबों से भी मिल सकती है, कई बार आपको न्यूज से मिल सकती है, आपको मूवी से मिल सकती है। ये नेगेटिव एनर्जी का खेल हर जगह से चलता है। आपको मैंने क्या कहा था, आपको मैंने एक माइंड वाली बात बताई थी कि इसको आप जितना ट्रेंड करोगे नेगेटिव घोड़े की तरफ या पॉजिटिव घोड़े की तरफ, जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो आज, उसको ध्यान से देखना कहीं आपकी वो नेगेटिव एनर्जी को तो नहीं बढ़ा रहा है। उसके लिए आपको अपने सोशल मीडिया पर, किताबों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, जिन जिन चीजों को देखकर आप नेगेटिव फील करते हो, उनसे आप दूर हटना स्टार्ट करो। मैंने इस चीज को समझा, मैं आज भी इस चीज को प्रैक्टिस करता हूं। मैं अपने परिवार में बोलता हूं कि कोई भी नेगेटिव खबर मेरे को मत सुनाना। देखो, दुनिया होती रहेगी, कभी हमारे साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी होती है, अपने जानने वाले हैं तो एक उसका दौर होता है। जब सुबह से उठते जब आप नेगेटिव एनर्जी को पढ़ते हो और सुनते हो तो आपका पूरा दिन नेगेटिव हो जाता है। भले आप दिन में 12-1 बजे के बाद जो उन खबरों को सुन सकते हो, लेकिन उस समय सुबह सुबह आपको तो नेगेटिव खबर नहीं सुननी, और रात को सोते समय आपको नेगेटिव खबर कभी ना देखनी है ना कभी सुननी है। मैं भी इस चीज को प्रैक्टिस करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाने की जो है मैं लगातार प्रयास में लगे रहता हूं कि ताकि मेरे पास नेगेटिव एनर्जी कम से कम आए। बट हां, फैमिली है, सारे लोग हैं, तो कई बार नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, बट उसको रिमूव करने का तरीका मेरे पास ये है कि पॉजिटिविटी की तरफ फिर मैं ज्यादा खिंच जाता हूं। मैं किताबें ज्यादा पढ़ूंगा, मैं अच्छी वीडियोस ज्यादा देखूंगा, मैं अच्छे मेंटर को सुनूंगा, तो मेरी नेगेटिव एनर्जी अपने आप धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। देखो, नेगेटिव एनर्जी सबसे खतरनाक एनर्जी होती है। एक नेगेटिव पॉइंट, एक नेगेटिव विचार को हटाने के लिए 10,000 पॉजिटिव विचारों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके एक नेगेटिव पॉइंट हटता है। समझ रहे इस चीज को आप? इससे उस बात को ध्यान में रखना कि इतने शब्दों को, 10,000 शब्द, अच्छे शब्द आपको सुनने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक नेगेटिव शब्द जो एक शब्द का होगा
मतलब एक शब्द का होगा, किसने आपसे कुछ बुरा बोल दिया, आपको कुछ सुना दिया, अब दोबारा पॉजिटिव होने के लिए 10,000 शब्दों को सुनना पड़ेगा, तरीकों को समझना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से हटाने के लिए लगातार बरकरार रखो सोशल मीडिया, अपने लोग, अपने रिश्तेदारी, अपने आसपास। देखो घर वालों को बोल सकते हो, बाकी आसपास के लोगों से अगर मिलोगे नहीं तो आपको नेगेटिव खबर देंगे कैसे। तो मेरा यह फॉर्मूला जिसको मैं फॉलो करता हूं। अब बात करते हैं पांचों पॉइंट की। पांचों पॉइंट है द पावर ऑफ हेल्थ। पावर ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य की ताकत। स्वास्थ्य की ताकत क्या होती है, मैं आपको अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी क्या हुआ, बीच में थोड़ा सा मेरी कमर में पेन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा बैठ के मैं चेयर में काम कर रहा था, चेयर में बैठे बैठे मेरे को सियाटिका का पेन होने लग गया। तो सियाटिका का पेन होने शुरू हो गया तो मेरे को सारी दुनिया बेकार लगने लग गई। इससे पहले भी कई बार मेरे साथ जो हेल्थ इशू हो चुके हैं, तो सारी दुनिया बेकार लगने लग गई। मैंने कहा जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद, जिंदगी में सारी तरक्की हासिल करने के बाद लगता है कुछ है ही नहीं मेरे पास। क्योंकि शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आपके लिए सब चीज़ मस्त है, अगर शरीर ही आपका व्यस्त है तो आपके लिए सब चीज वर्स्ट है। फिर आपको कोई चीज छीन लगेगी। अपने आप से सवाल पूछ के देखो, जब आपके हल्की अंगुली कट जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पर दर्द होती है, तो आपको क्या कुछ अच्छा लगता है? नहीं, आपको लगता है कि मेरे दर्द ठीक हो जाए, बाकी सारी चीजें सही है, दर्द ठीक हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हेल्थ की अगर यानी कि स्वास्थ्य की ताकत जाननी है तो आप एक दिन हॉस्पिटल में जाकर बता के आइए। मैं 4 से 5 महीने रहा हूं अपने माताजी के साथ, मुझे पता है कि लोग हेल्थ के लिए कितना ज्यादा अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब वो लाचार हो जाते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होता, तब जाकर पता चलता है कि एक्चुअल में स्वास्थ्य की ताकत क्या होती है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर आज से काम करना स्टार्ट करो। जंक फूड खाना बंद कर दो, फास्ट फूड खाना बंद कर दो, होता दोनों एक ही है। उसी के साथ साथ ऐसी चीजें मत पियो, ऐसे ड्रिंक मत लो जो आपकी शरीर को, आपकी किडनी को, आपके लीवर को फेल कर रहे हैं या फिर आपके लीवर को खराब कर रहे हैं। इन चीजों से बच के रहो। एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का तरीका जो मेरे को पता है, जो मैं जिसको मैं फॉलो करता हूं, वो यही है। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीता हूं, दिन में कुछ फ्रूट्स खा लिए, अपने घर का बना हुआ खाना खाया माता जी के हाथ का, कहीं बाहर भी खाना पड़ गया तो सिंपल दाल चावल, सिंपल दाल रोटी दही के साथ में अपना जो गुजारा कर लेता हूं। मुझे ज्यादा जो है जंक फूड खाने की आदत नहीं है, सूप ले लेता हूं। पहले भी जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तब भी मैं अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता था। मैं जो केले होते सबसे सस्ते होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, केले हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, जो सीजनेबल फूड है जो सबसे सस्ते मिल जाते हैं, नारंगी हो गई, संतरा हो गया, आपके हमारे पहाड़ों में माल्टा होते हैं वो हो गए, तो भाई साहब उनको लेना स्टार्ट करो। जो घर के जो खीरे हो गए, खाने से पहले खीरा ले लो, टमाटर ले लो, ये सारी चीजें तो नॉर्मली हर किसी घर में होती है ना, हर कोई खाता ही खाता है। 50-60 रुपए की चौमिन पिज्जा मोमो बर्गर खाने से अच्छा है कि भाई साहब आप जो है खीरा खा लो, आप जो है केले खा लो, आप सेब ले लो, आप संतरे ले लो, शरीर के ऊपर डालो, शरीर को खिलाओ। क्योंकि इसको नहीं खिलाओगे ना, आपका अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो ढह जाएगी, एक दिन धराशायी हो जाएगा, लाखों करोड़ रुपए कमाने का फायदा रहेगा नहीं। क्योंकि लाखों करोड़ रुपए और सक्सेस जिंदगी में हासिल करने तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूं ना, मजा आएगा आपको सुनने में। इसलिए कह रहा हूं हेल्थ के ऊपर, मस्तिष्क के हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, तभी जिंदगी में आप अपने आप को लगातार मेंटेन रख पाओगे। बिना स्वास्थ्य के जिंदगी में कोई मजा नहीं है। अब छठा पॉइंट क्या है? द सीक्रेट ऑफ कंपनी। संगत का रहस्य क्या है? संगत के रहस्य के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। संगत का रहस्य कुछ चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला आपका एनवायरमेंट, फिर आपके दोस्त, फिर आपके घर वाले, फिर आपके रिश्तेदार, और फिर आपके स्कूल के दोस्त, फिर आपके जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। संगत का रहस्य क्या है? जिनके साथ भी आप सबसे ज्यादा टाइम बिताओगे उनके जैसे आप बन जाओगे। अपने आप को देखना, मैं किसके जैसा हूं? मैं कहीं बहुत नेगेटिव बोलता हूं तो आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते होगे, बहुत पॉजिटिव बोलते हो पॉजिटिव लोगों के साथ रहते होगे, बहुत ज्यादा सोचते हो तो सोचने वाले लोगों के साथ रहते होगे, बहुत ज्यादा डरते हो तो डरने वाले लोगों के साथ रहते होगे। जिन भी लोगों के साथ आप रहते हो उनके जैसे आप बन जाते हो। पावरफुल लोगों के साथ रहो आप पावरफुल बन जाओगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहो आप नेगेटिव बन जाओगे। संगत का जो रहस्य है वो यही है, जिनके साथ आप रहोगे उनके जैसे आप बन जाओगे। सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने क्या कहा था आपको, आपको निचोड़ के ऐसा निचोड़ के दूंगा ना एक्सपीरियंस आपको, आपको कुछ लाइनों में पूरा सार समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो अभी जॉब करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, जो अभी थोड़ा सा जॉबलेस है, उनको भेजना, उनके माइंड के ऊपर बहुत काम होगा। मैं आपके पहले माइंड के ऊपर काम कर रहा हूं, फिर जो है पर्सनैलिटी के ऊपर काम करूंगा, पहले मेंटल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करूंगा, फिर फिजिकल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करूंगा। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, अगर आपने ये नहीं समझा फिर समझा कि आपने। पर्सनालिटी का मतलब ही होता संगत, संगत अच्छी होगी तो पर्सनालिटी अपने आप अच्छी होने स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए भी कुछ तौर तरीके होते हैं, लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। वो अगला पॉइंट ये है, हाउ टू क्रिएट लेजर लाइफ फोकस। शक्तिशाली फोकस कैसे बिल्ड करें, यह मैंने अपने गुरु से सीखा था, अपने मेंटर से सीखा था। जब भी हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस का मतलब क्या होता है?
फोकस का मतलब होता है ध्यान, किस चीज पर आपका ध्यान है। आजकल लोगों का फोकस बहुत ज्यादा कम रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 सेकंड से भी कम समय के अंदर लोग आजकल डिसीजन ले लेते हैं कि हमें क्या चीज देखनी है क्या चीज नहीं देखनी है। 5 सेकंड के अंदर जब इस वीडियो को लोगों ने क्लिक किया होगा तो 5 सेकंड के अंदर लोग छोड़कर चले गए होंगे कि हमें इस वीडियो को देखना है नहीं देखना है, और 5 सेकंड के अंदर आपने भी डिसाइड किया होगा कि मुझे इस वीडियो को पूरा देखना है या नहीं देखना है। मतलब 5 सेकंड के अंदर हम किसी को जज कर लेते हैं, इतना 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 कम हो चुका है हमारा फोकस, इतना ध्यान इतना कम हो चुका है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ मजा चाहिए। आज रील्स, आज शॉर्ट्स इतने ज्यादा वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को जल्द से जल्द आनंद चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें डोपामाइन रिलीज करना है अपने मस्तिष्क के अंदर, जल्द से जल्द मजा आ गया मजा आ गया। एक एडिक्शन की तरह ये यूज करना सीख गए हम लोग रील्स को। तो ये रील्स आपको अटेंशन स्पैम को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार आपके लिए साबित होने वाली है जब आपका ध्यान हटता है लोगों से। इसलिए लोग आज अनसक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं, लोग आज डरे हुए महसूस क्यों करते हैं? लेकिन लोगों को अपना फोकस अगर बेटर बनाना है तो अपने फोकस को बेटर बनाने के लिए आपको अपने ध्यान की ताकत को आगे बढ़ाना होगा, अपना फोकस आपको आगे बढ़ाना होगा। फोकस कैसे आगे बढ़ता है? देखो, फोकस आज तक अगर आपका फोकस बिगड़ा हुआ है तो फोकस अगर आपका बिगड़ा है इसको सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर आपको अपना फोकस बिल्ड करना है तो फोकस बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद आपको जब आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, किसी वीडियो को देख रहे हो, किसी चीज को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कई 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 मिनटों तक आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका ध्यान एक ही चीज़ पर लगा रहे, एक ही चीज़ पर लगा रहे। मैंने क्या कहा था, जिस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़्यादा दोगे वो चीज़ बढ़ जाएगी। अगर ध्यान के ऊपर ध्यान दोगे तो ध्यान अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी काम को कर रहे हो उसके ऊपर फोकस लाना स्टार्ट करो। अच्छी किताबें पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, जब तक आप थोड़ा सा जो है आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट का प्रैक्टिस करते रहोगे रोज। तो अगर आप रोज किसी एक चीज़ पर 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट तक ध्यान फोकस केंद्रित करोगे तो आप बहुत तेजी के साथ अपना फोकस इंप्रूव कर पाओगे। मेरे साथ भी ये बहुत सारी चीज़ें हुई जब मैं अपने फोकस को इंप्रूव कर रहा था। तो उससे पहले जो मैं रील्स का बहुत शौकीन हुआ करता था 2019 के अंदर 20 के अंदर बहुत सारे रील्स, और बीच में भी कई बार मुझे हैबिट्स पड़ी जब मैं थोड़ा सा अच्छा खासा अर्न करने लग गया तो तब भी मुझे थोड़ा रील्स की थोड़ा लत लग गई थी। लेकिन फिर इसको दोबारा मैंने इंप्रूव किया। इंप्रूव कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मैं जब किताब पढ़ता था तो मैं अपने आपसे वादा करता था मैं आधा घंटा किताब पढ़ूंगा, फिर आधे से 45 मिनट किया, 45 से 1 घंटा किया, अब 1.5 घंटे 2 घंटे तक, 3 साढ़े 3 घंटे तक भी मैं जो किताबें आराम से पढ़ लेता हूँ। एक दिन क्या हुआ, रात को मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं 11 बजे पढ़ने बैठा, और 11 बजे पढ़ने बैठने के बाद रात को मैं 2:20 वापस उठा। मतलब पढ़ते पढ़ते है ना, तब तक मैंने आधी किताब जो है खत्म कर दी थी। तो फोकस का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप एक ही चीज पर ध्यान अपना जो है फोकस में रखोगे उतना तेजी के साथ आपके जो मसल्स हैं वो इंप्रूव होते रहेंगी। लेकिन आप 10 सेकंड 15 सेकंड की चीजों को अगर आप जो है आनंद में महसूस करने लगे अपने आप को तो फिर आप थोड़ा गड़बड़ में हो, फिर आपको अपना फोकस इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम आठवें पॉइंट क्या है, स्टे अलोन एंड बिकम सक्सेसफुल। यानी कि क्या है, अकेले रहो कामयाब बनो, इसका टॉपिक ये है। इसको मैंने बहुत मतलब उससे सोचा, मैंने कहा इसको बताऊंगा आपको मैं। इसका मतलब क्या है कि अकेले रहने का मतलब क्या है, जब जब हम अकेले रहते हैं तब हम अपने साथ रहते हैं, अकेले हम अपने साथ रहते हैं, अपने साथ को हम एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने साथ की कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या हुआ अपने लाइफ में, और जितने भी मैंने सफल लोगों को देखा है, जितने भी लोगों के सफल लोगों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, जितने भी आप टॉप लोगों को जानते होंगे वो सब लोग अकेले में ध्यान करने में माहिर होते हैं। अकेले में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपने आप को जान पाते हो, मेरी कमी कहां पर है, आज मैंने क्या गलत काम किया, मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या सीखना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, हम अपने आप को जान पाते हैं अकेले में कि एक्चुअल हम हैं कौन, हम कुछ बढ़ने के लिए जो है पैदा हुए जिंदगी में, हम टाइम पास ही कर रहे हैं। मतलब वो आपको कब पता लगेगा, जब आप अपने साथ अपने कंपनी के साथ आप एंजॉय करोगे। अपने आप को अकेले में रखो। मैंने बहुत किया, जिस दिन से मुझे समझ में आया कि अकेले रहने का फॉर्मूला ही हमें कामयाब बना सकता है, तब से लेकर आज तक मेरे अब गिने चुने दोस्त रह गए हैं जो मेरे साथ ज्यादातर समय में बिताते हैं। अब दोस्त भी बदल गए हैं क्योंकि पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनके ही साथ रहोगे तो उनके ही जैसे बने रह जाओगे। दोस्त मेरे आज भी हैं, आज भी मैं उनसे मिलता हूं, आज भी मेरा प्रेम है उनके साथ, आज भी बैठते हैं हंसी मजाक करते हैं साथ में बैठते हैं, लेकिन जिंदगी की गाड़ी में मैं उनके साथ अब नहीं बैठना चाहता, नहीं अब नहीं बैठता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे लंबा गेम खेलना है, उनकी मानसिकता वो अपने आप से बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, बहुत बढ़िया अच्छा नेचर है उनका, लेकिन अगर मुझे सफलता की गाड़ी में बैठना है तो मुझे अलग नेचर के जो सफल लोगों के नेचर के लोग होते हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके संगत में रहना पड़ेगा, उनको दोस्त बनाना पड़ेगा, उनके साथ रहकर मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो जिंदगी में हम आए हैं तो कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, खाली बैठ कर टाइम पास करने थोड़ी आए हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत लगती है, समय लगता है अपने आपको जानने में। लेकिन अकेले का मतलब है, ज्यादातर समय में आपसे कहता हूं हर दिन अपने साथ कम से कम 3 से 4 घंटे अकेले में बिताया करो। मैं अपने घर में भी रहता हूं तो घर वालों को बोल देता हूं कि मेरे रूम के अंदर मत आना, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं सेल्स टीम के साथ मीटिंग ले रहा हूं, तो मेरे रूम में मत आना, क्योंकि मुझे अपने आपके साथ समय चाहिए।
परिवार को भी समय दो, दोस्तों को भी समय दो, जिसको समय देना उसको समय दो, लेकिन अपने आप के लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं नवे पॉइंट के ऊपर। वो नवा पॉइंट है हाउ टू मेंटेन पेशेंस इन बैड टाइम्स, बुरे समय में धैर्य कैसे रखें। बुरे समय में मैं अभी आप मैं सोचना कि सर आप तो दिमाग के बारे में समझा रहे हो, सर हमें तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाने वाले थे, मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही सिखा रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपकी इधर की पर्सनैलिटी मजबूत करूंगा, फिर मैं आपकी इधर की पर्सनैलिटी मजबूत करूंगा। बुरे समय क्या होता है, बुरे समय का मतलब क्या होता है, जब आपके पास पैसे नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, उस समय धैर्य कैसे रखें। पेशेंस मतलब अपने आप को धैर्यशील कैसे बनाकर रखें, क्योंकि धैर्य रखने में बहुत मेहनत लगती है और लोगों के अंदर अब धैर्य खत्म सा होता जा रहा है। हर चीज आपको 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में चाहिए, हर चीज आपको तुरंत चाहिए, तो जिससे क्या हो धैर्य बिल्कुल खत्म हो गया। और ऊपर से जब से मोबाइल आया भाई साहब तब से तो सब कुछ का एक्सेस आसान हो गया, अब हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। अब होता क्या है, आजकल देखा होगा आपने रोडों में लोगों को, पहले के समय में लोग बैलगाड़ी से चलते थे, लोग पैदल चलते थे, लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, लोग तब भी आराम से हंसी खुशी अपने सफर को तय कर लिया करते थे। आज के समय में लोगों के पास कार है, बाइक है, साइकिल है, लोग भाई साहब एरोप्लेन में बैठते हैं, बोलते हैं यहाँ से वहां जाने में 3 घंटे लगेंगे, जबकि ट्रेन में जाने में या फिर बस से जाने में या फिर समुद्री रास्ते से जाने में 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं। वहां अगर आप 2.5-3, 5-10 घंटे में पहुंचो तब भी बोलते लोग अरे बहुत बहुत टाइम लग रहा है भाई साहब 3 घंटे में। सबसे बढ़िया आपको मैं धैर्य खत्म होने का आपको एग्जांपल देता हूं। आप सड़कों में निकलना, कभी आप सड़कों में निकलते होगे, आप बस में बैठते हो, आप कार है आपके पास या बाइक है आपके पास, अगर जाम लग गया तो कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा है, कोई पीछे से ओवरटेक कर रहा है, कोई सामने से जबरदस्ती गाड़ी लगा रहा है। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे आ रहा था और जैसे वह अब वहाँ पर फाटक लग गया, अब ट्रेन पास हो रही थी, ट्रेन पास हो रही थी, तो मैं थार में था, उसमें मैंने नई नई गाड़ी ली थी, तो मैंने गाड़ी में जो डैश कैमरा लगाया हुआ था, तो क्या हुआ अचानक जो है फाटक लग गया और हम सब खड़े हो गए यहाँ पर। अब मैं गाड़ी में था, फैमिली साथ में बैठी हुई थी और गाड़ी जो है लाइन पर लगी हुई थी। जैसे ही फाटक खुला, अब जो है बड़ी गाड़ी था तो सामने से गाड़ी आ रही थी, तो मैं उनको रास्ता दे रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा तो पीछे से अचानक एक गाड़ी वाला आया और एक गाड़ी वाला निकल गया अचानक एकदम से, मतलब टकराते गाड़ी बची, एक अचानक निकल गया पीछे से, वो आया उधर से ओवरटेक करते हुए निकल गया सीधे सट से आगे। वो मैंने कहा भाई बाल बाल बच गए। उसके बाद जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया और क्लच छोड़ा, अचानक गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे से गाड़ी वाला आया और एकदम से मेरी गाड़ी के आगे सामने आ गया, थार के सामने। थार का बोनट लगा, उसका दरवाजा और जहां पर उसकी गाड़ी की टंकी होती है तेल की, वो पूरा पिचक गया अंदर, पूरा पिचक गया और अचानक भाट से आवाज आई, अचानक आई। उसके बाद भाई साहब उसने गियर लगाया, वो तो हो गया वहां से गायब, क्योंकि गलती उसकी थी। मतलब धैर्य का आपको एग्जांपल के दे रहा हूं मैं, मतलब पीछे लोग आराम से आ रहे हैं, धैर्य है उनके पास, इधर भाई साहब का धैर्य नहीं है। आया वो टैक्सी वाला था अचानक आया और डाल दी गाड़ी उसने, उसके ऊपर फैमिली बैठी हुई थी, अचानक उसने गाड़ी भागे भाग गया वहां से। मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैंने क्या करें, लेकिन मैं आपसे क्या बता रहा हूं, धैर्य लोगों के पास है ही नहीं। हर चीज तुरंत चाहिए भैया, तुरंत जो चीज बस अभी दे दो सर, अभी, अरे कल छोड़ो सर, अभी 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 दे दो अभी। कई बार धैर्य न रखना अच्छा भी होता है, कई बार बस बुरा भी होता है। तो बुरे समय में, जब बुरा समय चल रहा हो, अपने आप को विश्वास दिलाओ मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, मैं काम करूंगा, मैं अच्छे लोगों की संगत में रहूंगा, मैं अपने माइंड की ताकत को समझूंगा, तो मैं कामयाब क्यों नहीं होऊंगा। थोड़ा समय लगेगा, साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, जब मैं बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ा, तो तब मैं लगभग 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा था इन चीजों की। तो मैं एकदम से जब यहाँ पे आया, तो एकदम से मेरी लाइफ में बूम आया, क्यों, क्योंकि मैं पहले से ही धैर्य के साथ काम कर रहा था, मैंने इन चीजों को समझ लिया था। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ा सा लग रहा हो, सर आप बहुत तेज चल रहे हो, थोड़ा विस्तार से समझाओ। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, धैर्य रखो, बुरे समय में, बुरा समय कट जाएगा और ये आपको मजबूत बनाएगा जब आप धैर्य के साथ अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट करोगे। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की। 10वां पॉइंट है पावर ऑफ गुरु, यानी कि मेंटोर की शक्ति। गुरु की ताकत क्या होती है, गुरु की ताकत होती है कि एक गुरु अगर आपको एक ढंग का कोच मिल जाए तो वो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। एक गुरु अगर आपको मिल जाए तो वो आपको न जानने वाले से दुनिया में जानने वाला बना सकता है। जितने भी सफल लोग आप देखते हो, क्रिकेटर से लेकर, बिजनेसमैन से लेकर, आप किसी भी बिजनेसमैन को अपने आसपास देखते होगे या फिर आप जिसको भी अपना मेंटोर मानते हो, उसकी लाइफ में आप झांक के देखोगे तो उसका भी कोई गुरु था। कहते हैं ना कि हर बॉस के ऊपर एक बॉस होता है, हर पिताजी का एक पिताजी होता है ना, तो हर पिताजी का पिताजी होता है, हर एक बॉस का बॉस होता है, हर एक गुरु का एक गुरु होता है जिससे वो सीख रहा होता है। हर किसी के साथ जिंदगी में कामयाब होने का सूत्र यही है कि जब भी आप जिंदगी में हर किसी के जैसा बनना चाहते हो, हर किसी के साथ आप सफल होना चाहते हो, तो हर किसी की तरह आपको अपनी जिंदगी में गुरु भी बनाना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो बिना गुरु के काम करता है वो काम नहीं करता, उसका काम हो जाता है। जितने भी असफल लोग मार्केट में घूमते हो दिख रहे हैं ना आपको, ये वही लोग हैं जिनके पास गुरु नहीं है। इनसे किससे सीखते हो, अरे हमें को सिखा सकता है, हमें तो खुद इतना आता, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी है, हमने तो ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ऐसा भी किया, हमने वैसा भी किया, कामयाब किस में हुआ, जी किसी में नहीं हुआ। अरे अनुभव तो है, उस अनुभव का आप क्या करोगे जिस अनुभव से आप सफल ही नहीं हो पाए।
लोग बोलते हैं अनुभव की कीमत होती है। अरे सफल अनुभव की कीमत होती है, असफल अनुभव की कीमत कुछ नहीं होती। सफल आदमी की इज्जत होती है, असफल आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। यकीन ना हो तो अपने आप से ही पूछ लेना, आप किसकी इज्जत करते हो? जिसने कुछ कर गुजर के दिखाया हो या जिसने कुछ किया ही ना हो, जो भाई दिन गुजारने में लगा पड़ा हो, आप किसकी बात सुनोगे? जो आदमी 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा है, जो आपको सिखा सकता है 1,00,000 रुपये महीना कमाना, उसकी बात सुनोगे? या फिर जो 10,000 में नहीं कमा रहा वो आपको बता रहा है 1,00,000 रुपये ऐसे कमाने चाहिए, आप बोलोगे पहले तू तो कमा ले? मतलब गुरु का मतलब होता है सही गुरु, अनुभव का मतलब होता है सही अनुभव। इसलिए कहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, जिंदगी में कामयाबी हासिल करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मतलब थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए मैं। अब 11वां पॉइंट है, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? ऐसा आत्मविश्वास 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, 500 लोग हैं, आप जहां पर खड़े हो गए तो फिर वहां पर डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छे से आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, पर्सनैलिटी जबरदस्त है। अब ये जो पॉइंट आ गया है, अब यहां से मैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा। 10 पॉइंट में आपकी मेंटल पर्सनैलिटी के ऊपर काम करा, अब 10 आने वाले अगले 10 उन सारी चीजों में अब आपके में मेंटल स्टेट भी और आपकी पर्सनैलिटी स्पेस में भी अब मैं एंटर करने वाला हूं। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए। अब बात करता हूं कि मैंने कैसे सीखा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कैसे करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। आत्म मतलब मैं, विश्वास मतलब खुद में विश्वास। कितना विश्वास है आपको अपने ऊपर? सवाल पूछो अपने आप से, कितना विश्वास है कि जब मैं लोगों के सामने बोलता हूं, प्रेजेंटेशन देता हूं, स्कूल में बोलता हूं, अपने जॉब के अंदर, अपने जो है ऑफिस के अंदर बोलता हूं, या फिर मैं लोगों से अपने गांव में बात करता हूं, तो कहीं मैं डरावा महसूस नहीं करता कि सर जी जी सर जी 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 सर जी, कहीं मैं ऐसे तो खड़ा नहीं होता, कहीं मैं ऐसे तो नहीं करता, ऐसे डर डर के तो नहीं चलता। मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं, मतलब आपको खुद में विश्वास नहीं है ना कि कैसे खड़े हो गए लोगों के सामने, कैसे बोलोगे आप, आपको पता नहीं मुझे करना क्या है। ये देखो थोड़ा सा दिल में चोट लगी, इधर चोट लगी कि लगनी चाहिए आपके। कॉन्फिडेंस किन चीजों से बनता है सोचना, नॉलेज, एक्सपीरियंस, मेंटोर, गुरु अगर साथ में हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा वो। क्यों? क्योंकि आपको सिखा देगा वो। उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन। अगर ये सारे पॉइंट आपके अच्छे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है भाई साहब, आप तो भैया रॉकेट बन जाओगे फिर। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर सारी चीजें होंगी, जो चीजें बताई नोट भी करते रहे ना, खाली वीडियो देने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। मैंने आपको निचोड़ दिया है, मैं इस आत्मविश्वास के टॉपिक पर, मैं अभी कॉन्फिडेंस के टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, कई वीडियो में बना चुका हूं और इसके ऊपर मैं 1.5-2 घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको मैं कुछ बता रहा हूं, निचोड़ दे रहा हूं आपको, ताकि आपको मैं कैप्सूल बनाकर दे पाऊं ना। इस कोर्स को मैं कैप्सूल बोलता हूं, कैप्सूल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कैप्सूल। एक बार भैया चख लो, यानी कि एक बार खा लो, एक बार दिमाग को खिला दो, एक बार देख लो, समझ लो। 8 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ महसूस कर पाएगा कि यस मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आपका मेंटोर हो गया, आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपके नॉलेज हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, ये सभी तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं ना। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो आपको रियलिटी बताता हूं अपनी, से पहले क्या होता था कॉन्फिडेंस, देखो मेरा कॉन्फिडेंस तो, मेरी माताजी उससे पहले हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि वो आंख से जो है झुलस गई थी, तो 3 महीने वहां रहा मैं। तो क्या होता था, मैं और मेरा भाई, अब हम गांव से आए तो हम दोनों रहते थे वहां पर, अब हम जो है जनरल वार्ड में रहते थे। और क्या होता था, कई बार क्या होता था, माता जी को जब दर्द होता था, मैं बोलता था अपने भाई से कि भाई जाके ना ऐसा कर, वो जो नर्स होंगी, नर्स को बोलना कि जो है आप ना जाके एक बार जो है माता जी को इंजेक्शन लगा दीजिए, उन्हें बहुत पेन हो रहा है। मैं ये जाके बोल नहीं पाता था, मैं अपने भाई को बोलता था तू जाके बोल गया, और बोलता था बार बार मेरे को भेजता है, तू खुद तो जाता नहीं है, मेरे को भेजता है यहाँ बार बार, खुद को नहीं जाता तू। मैंने कहा भाई प्लीज चले जाना। मैं इसलिए नहीं जाता था क्योंकि जब मैं जाता था, जब मैं उनसे बोलता था मैम, उसके बाद बोलते थे हाँ जी बताओ क्या हुआ, तो मेरी आवाज़ गले से बाहर निकलती नहीं थी। मैं बहुत डरता था, मेरी हार्ट बीट अपने आप बढ़ने लग जाती थी, क्योंकि कोई डर था, पता नहीं था कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करनी है। फिर उसके बाद जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो यहाँ तो फिर रॉकेट बन गया भाई साहब, यहाँ तो बिंदा जी ने स्टेज भी दे दिया, फिर ऑफिस भी बना दिया, लोग टीम मेंबर भी हायर कर दिए मैंने, उनके घर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, है ना, हजारों सैकड़ों लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो अपने इवेंट भी कर रहा हूँ, मैंने बीच में इवेंट भी किया था अपने देहरादून के अंदर। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर काम किया था, नॉलेज के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने प्रिपरेशन के ऊपर, है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने अपना काम किया था। अब ये थोड़ा लंबा हो जा रहा पॉइंट, अब बढ़ता हूँ आगे। 12वां पॉइंट वो है हाउ टू बिकम ए मास्टर इन स्पीकिंग, बोलने में महारथी कैसे बने। वैसे इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं जिसको आपको देखना चाहिए, लेकिन आपको मैं कुछ निचोड़ देता हूं। आप बोलते हो ना राजेंद्र जी मुझे आपकी तरह बोलना सीखना है, आपकी तरह प्रेजेंटेशन देनी सीखनी है, मैं उतना वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं इतना अच्छा बोलता हूं, बट हाँ अगर आप बोल रहे तो हो सकता है बोलता हूंगा, बट हाँ जितना भी मैंने सीखा है आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। बोलने में महारथी कैसे बने, बोलने का मतलब क्या होता है, आपको बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास शब्दों की स्टोरेज आपके माइंड के अंदर कितनी ज्यादा है,
कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हो, कितनी ज्यादा आप जो है कोर्सेज देखते हो, कितनी ज्यादा आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो। क्योंकि बोलने का मतलब क्या है, आपके पास कुछ बोलने के लिए होना चाहिए। कौन बोलता है? जिसका बोलने के लिए कुछ होता है। अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं पर्सनलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, मैं कैसे बोल रहा होता? बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो एक बार कर देना आप। तो मैं कैसे बोलता कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है भाई चैनल को सब्सक्राइब बोलने से लोग सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बोलने से लोगों को फायदा होता है। तो ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बोलना है, मतलब मेरे पास नॉलेज है। बोलता कौन है? जिसके पास नॉलेज होती है। जब वो नॉलेज को आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो जब वो बहुत अच्छे तरीके से बोल पाता है। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया। यानी आपके पास सबसे पहले नॉलेज होने चाहिए, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? अगर आपके पास नहीं है नॉलेज एक्सपीरियंस, तो नॉलेज देना स्टार्ट करो। अकेले में जाके कैमरे के सामने, सीएसए के सामने जाके प्रैक्टिस करो, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करो, अपने जो है प्रेजेंटेशन को अपने दोस्तों के सामने दो। मैं कई बार ऐसा करता था, अपने दोस्तों के सामने बोलता था, तो बोलता था नहीं नहीं तो ऐसा बोल रहा है, नहीं नहीं तो गलत कर रहा है। फिर कई बार क्या होता था, मैं अपने कैमरे से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता था मोबाइल का जो है फोन ऑन करके, जिससे मैं थोड़ा और अच्छा बोलने लग गया। उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन मैंने लोगों को शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, बहुत तेजी के सामने इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। अकेले में जो है बोलने की प्रैक्टिस किया करता था। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग को बेटर बनाना है, बोलने में महारथी बनना है, तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छी किताबें, अच्छे कोर्सेज, अच्छी वीडियोस आपको नए शब्द देती हैं, नए शब्द देती हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, नए शब्द देती हैं। आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, समझोगे, वो सब आपको नए शब्द देंगे। नए शब्द जानने के लिए, आपको नॉलेज के ऊपर काम करने के लिए, किताबों के ऊपर, कोर्सेज के ऊपर, मेंटोर के साथ, अच्छी वीडियोस, अच्छे लोगों के साथ रहो, आप अपने आप बोलने में महारथी हो जाओगे। बाकी प्रैक्टिस के तौर पर आपको अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी चाहिए, कैमरे के सामने बोलना चाहिए, अपने आप को जो है सीसी के सामने खड़ा होकर आपको बोलना चाहिए, दोस्तों से अपने फीडबैक मांगना चाहिए, अपने जो आसपास वालों से अपने दोस्तों से फीडबैक लेते रहो, ताकि वो आपको लगातार इवॉल्व करते रहें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है 13 नंबर का पॉइंट, वो है पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? लोगों के सामने, पब्लिक के सामने स्पीकिंग, मतलब बोलें कैसे। कहते हैं दुनिया में मौत से ज्यादा दूसरा जो सबसे ज्यादा डर है, वो है पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने का डर। जैसे ही स्टेज में खड़े होते हैं, तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आदमी ब्लैंक हो जाता है। अच्छे अच्छे स्पीकर मैंने देखा है, जो हमारे सामने बहुत अच्छा बोल रहे थे, जैसे ही स्टेज में गए ब्लैंक हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोले, ना वो फोकस कर पा रहे, ना वो बोल पा रहे, और बोल भी रहे तो एक जगह खड़े होकर ऐसे बोल रहे हैं, पकड़ के माइक पकड़ के ऐसे ऐसे, मतलब डरे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे, एक हाथ से माइक पकड़ के बेहतरीन तरीके से अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, क्योंकि डर है ना भाई साहब के अंदर, क्योंकि अभी प्रैक्टिस की नहीं, क्योंकि नॉलेज है ही नहीं। मैंने क्या कहा था, नॉलेज अगर फीड नहीं करोगे तो आगे बोल कैसे पाओगे, और नॉलेज अगर है भी, अगर नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की। जिन लोगों के अंदर नॉलेज होती है, जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, लोगों के सामने नहीं बोल पाते, डरते हैं, साइनस फील करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, मतलब उन्होंने कभी प्रिपरेशन की नहीं, उनकी नॉलेज को कभी मौका मिला ही नहीं लोगों के सामने निकलने का, उन्होंने अपनी नॉलेज को अभी मौका नहीं दिया लोगों के सामने बातचीत करने का, बताने का, समझाने का, वो डरते हैं ना बहुत ज़्यादा। तभी कहते हैं ज्यादा जो पढ़ते लिखते हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम नहीं कर पाते। ये एक सीक्रेट है, आप देख लेना। जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, वो स्टेज में चढ़कर उतना अच्छा बोल नहीं पाते हैं। बात बुरी लगेगी आपको, पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ, अपने लिए आधा घंटा निकालो, ताकि आप जो है पब्लिक स्पीकिंग सीख सको। अब तो बहुत सारे स्कूल के अंदर भी पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाने लगी है। बच्चों को स्टेज पर खड़ा करते हैं, उनसे निबंध बुलवाते हैं, उनसे प्रिपरेशन करके बढ़िया सा उनको एक लेक्चर देने के लिए बोलते हैं। अब तो बहुत अच्छा होने लगा, लेकिन पहले के समय में, हमारे समय में होता कैसे, एक दिन मेरे को स्टेज में खड़ा कर दिया भाई साहब, तो मेरे हाथ में कांपने लग गए, फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, फिर मैं बड़ा बिजनेस के अंदर आया, तो फिर मैं अपने इवेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपने इवेंट लेने लग गया, लोगों के सामने बोलने लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाओ, और अगर शुरू में आप लोगों के सामने स्टेज में जाकर खड़े हो रहे हो, तो मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, जब मैं भी स्टेज में जाता हूं तो मुझे भी डर लगती है, घबराहट होती है, पर मैं अपने आप से क्या बोलता हूं, हो जाएगा, कर लूंगा, मैं ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशन दे रहा होता हूं कि तू कर लेगा, तेरे अंदर हिम्मत है, तू कर सकता है, अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता हूं। उसके बाद फिर जाके आराम से बोल रहा होता हूं, रिलैक्स होकर बोल रहा होता हूं, और जब मैं बोल रहा होता हूं, तो मैं ये सोच रहा होता हूं कि ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे इन सबको सिखाना है, मैं इनका गुरु हूं, मैं ये मान लेता हूं। अब मानने में तो कुछ भी मान लो, अपने आपको बादशाह मान लो, तो फिर आप आराम से बोल सकते हो अपने, क्योंकि देखो अपने आपको ज्यादा समझो मत समझो, कम तो कभी भी अपने आपको किसी से समझना नहीं चाहिए, जाके बोलो, लेकिन कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए पब्लिक के सामने, ज्यादा लोगों के सामने बनावटी अपनी जो है पर्सनालिटी दिखानी चाहिए। हाँ जी दिस, अरे भाई साहब, तो क्या हो ना, आदमी पकड़ लेता है नेगेटिव आदमी को, और उसी के साथ साथ नकली आदमी को बहुत जल्दी आदमी पकड़ लेता है, पहचान लेता है। ये देखो ना, आदमी जो सेंस कर लेता है कि ये आदमी भाई साहब, ये समझ गया ना, ये नकली आदमी है, फेक आदमी है, तो फेक आदमी को पब्लिक बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले नॉलेज, प्रिपरेशन, उसके बाद जो है आपकी
ऑटो सजेशन देने की ताकत आपको बहुत महान बनाती है, लेकिन आप ये सब चीज प्रैक्टिस से हासिल कर पाओगे। प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाते रहेंगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, 14वां पॉइंट, वो पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज की लय का जादू। आवाज की लय क्या होती है, लय का मतलब क्या होता है, आप देख रहे होंगे इस पूरी की पूरी वीडियो को, मैंने कई बार अपनी आवाज को उठाया और कई बार बड़े पोलाइट तरीके से बोला, कई बार मैंने शब्दों में थोड़ा सा नर्मता रखी और कई बार थोड़ा सा कड़कनेस भी रखी। मतलब ये वॉइस मॉड्यूलेशन है, शब्दों का उतार चढ़ाव, ये बहुत सीखने में मेहनत लगती है। अगर आपको शब्दों का जो है प्रभाव जानना है और सीखना है तो आपको मूवीज देखनी चाहिए। मूवीज देखो, उसके अंदर कभी वो रोनल एक्टिंग कर रहे होते हैं, कभी हंसाने वाली, कभी थोड़ा सा गुस्से वाली और कभी थोड़ा सा नर्म दिल वाली। तो इससे क्या होता है, आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में कब किस सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए। मैं इसमें महारथी बन चुका हूं, मतलब मैं अपने को मानता हूं, क्योंकि मैं जब इसको प्रैक्टिस कर रहा होता हूं तो लोग इससे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। इसलिए कहूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब तो बनता है आपका एक। तो वॉइस मॉड्यूलेशन को सीखने के लिए आपको मूवीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो वीडियोस होती हैं उनको आपको देखना चाहिए, कब कौन कैसे बोल रहा है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो कि देखिए मैं आपके वहाँ जो है कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ और मैं जॉब करने के लिए आपके पास आया हूँ, ये मेरा रिज्यूमे है, अगर आपको मेरा रिज्यूम पसंद आता है तो सर प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा आपकी कंपनी के लिए, आपके साथ काम भी करूँगा, और अगर आप मुझे हायर करते हैं तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। बेस्ट देने का, मैंने क्या करा, आवाज़ को उठाया, बेस्ट देने का। और उससे पहले मैं बड़े पोलाइट होकर बात कर रहा था, थोड़ा हंस के बात कर रहा था, थोड़ा सा नर्मता बरत रहा था। किसी से अगर किसी को कुछ बात समझानी है, मैंने आपको ये बात बोल दी है आज, दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरी आखिरी आपको सलाह रहेगी। अगर आपने दोबारा किया तो फिर जो है मैं आपको जो टर्मिनेट कर सकता हूं, बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज को ठीक करें। आपने नर्मता भी रखी, गुस्सा भी दिखाया, आपने उसको सजेशन भी दे दिया और आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल भी दिया। ये है आवाज का जादू, वॉइस मॉड्यूलेशन। के साथ साथ जो शोज आते हैं, लाफिंग शोज आते हैं, यानी कि जैसे कपिल शर्मा शो आता है, कपिल शर्मा शो आता है, उसको आप देखना, उसमें कपिल शर्मा जी बहुत बेहतर तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, अपनी आवाज को उठाते भी है, गिराते भी हैं। उसी के साथ साथ मूवीज के अंदर भी आपको जो है हर एक सिचुएशन के ऊपर आपको अलग अलग तरीके से वहां पर एक्टर एक्ट करता दिखाई देगा। अब बात करते हैं 15वें पॉइंट की, वो 15वां पॉइंट है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला कैसे बढ़ाएं। देखो जब तक आप सुनोगे नहीं ना, तब तक आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। एक अच्छा लीडर एक अच्छा लिसनर होता है, एक अच्छा बोलने वाला एक अच्छा सुनने वाला होता है, एक अच्छा जानने वाला समझने वाला होता है। इसलिए अपनी कला को, सुनने की कला को बेटर बनाइए। आज की जनरेशन सुनती नहीं किसी की। हमारे भी कुछ लोग हैं हमारे सर्कल के अंदर, है ना, अपने कुछ लगते हैं, वो बोलते हैं अरे भाई अपने को ज्ञान मत दो भाई, सब जानते हैं भाई साहब हम, अरे हम सारे काम कर चुके हैं यार, सारे काम तो हम सब जानते हैं। अरे भाई साहब, अरे कुछ नहीं होता इन चीजों में यार, कुछ नहीं होता। ये क्या है, सुनता नहीं है वो आदमी। जो आदमी सुनता नहीं है, फिर एक दिन उसको प्रकृति सुना रही होती है। जो आदमी सुनता नहीं है, उसको एक दिन फिर उसका बड़ा वाला सुना रहा होता है, आदमी या बॉस होता है या पिताजी होते हैं, या फिर जो समस्या और जो तकलीफ और उसी के साथ साथ जब सिचुएशन क्रिएट होती है तब आदमी सुनता है वो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने घर में किसी के नहीं सुनते, जो बाहर किसी के नहीं सुनते, जो बॉस के नहीं सुनते, एक दिन प्रकृति उन्हें सुना देती है, एक दिन प्रकृति उसको एहसास करा देती है कि तूने गलती की थी अपनी जिंदगी में, अब तू भुगत। सुनना सीखो सबसे पहले। कोई बोल रहा है तो उसको सुनो, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, पर्पस क्या है, किस लिए बोल रहा है। जब आप इन चीज़ों को समझोगे ना, जब आप सुनोगे तो बहुत तेजी के साथ आप अपना उसका सॉल्यूशन भी, आप उसकी बातों को गहराई से समझ पाओगे। आप सुनोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, आप ज्ञानी मानने लग जाओगे खुद के अपने आप को, तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। सुनने की कला बढ़ाओ, सुनने की क्षमता को डेवलप करो। माता पिता कुछ बोल रहे हैं, परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं, कोई ज्ञानी कुछ बोल रहा है, कोई जानने वाला कुछ बोल रहा है, कोई आपको कुछ बातें समझा रहा है, आप उसको इंप्लीमेंट करो ना करो, सुनो सबकी, करो मन की, सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की। जब आप उसको समझ जाओ मन से, तब जाके आप अपने मन की करो। बिना सुने अपने मन की करोगे ना, फेल हो जाओगे जिंदगी में। अब 16वां पॉइंट है हाउ टू प्रेजेंट, अपनी बात को कैसे समझाएं, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे दें, दमदार प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है कि आप अपनी बात को रख सकें। आप जब भी किसी को कुछ बोलते हैं, अगर वो आपकी बात मान लेता है, इसका मतलब आपने अपनी बात को उसको अच्छे से समझा दिया। इसको मैं आपको थोड़ा और इजी करके समझाता हूं। जब भी हम अपने घर के अंदर सब्जियां लाते हैं तो सब्जियां क्या होती है, अलग अलग होती हैं। मतलब आलू अलग होते हैं, प्याज अलग होता है, लहसुन अलग होता है, मिर्च अलग होती है, है ना, तेल अलग होता है। तो क्या करती है माताजी, उनको काटती है, धोती है, फिर अच्छे से तेल डालती है, उनको कौलती है और उन सबको मिक्स करके उसको बढ़िया से सब्जी में तब्दील कर देती है। इसको बोलते हैं कि आपको बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह पर प्रेजेंट करके सब्जी के रूप में आपको एक फिनिश आइटम हमारे माताजी हमें खिलाती हैं सब्जी, और हमारे जो है सेफ जो होटल में काम करते हैं वो भी हमें बढ़िया से खाना बना के खिलाते हैं। सारी बिखरी हुई चीज़ों को समावेश करके एक बढ़िया से डिश तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से कई सारी चीज़ें जो बिखरी हुई होती हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, हमारे इमोशन होते हैं, हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, उन सभी को एक करके शब्दों में पिरोकर सामने वालों को प्रेजेंट करके समझाना ही होता है प्रेजेंटेशन। ये जिसको मैं समझता हूं, जिसको मैं अपने आप से समझता हूं, मतलब ये मैं आपको इजी करके समझाऊं ताकि आप समझ सको। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे आप। समझाने का मतलब क्या होता है, मान लो अपने दोस्त से बाइक चाहिए,
अब मैं अपने दोस्त से बाइक मांगूंगा, मैं जाऊंगा उसके पास, मैं बोलूंगा यार अरुण मुझे तुम्हारे जो है हेल्प चाहिए। बोलेगा हाँ बता भाई क्या हेल्प चाहिए तुझे। यार मुझे ना आपकी बाइक चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है अपने माता जी को लेकर थोड़ा सा बाजार तक जाना है, उनकी दवाइयाँ लेके आनी है, और साथ में मुझे वहाँ से जो है अपने घर के लिए कुछ, मेरे घर के लाइट ख़राब हो गई है मुझे वो भी ठीक करवानी है, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसके सामने रखोगे कि मुझे जाना है और जाने के बाद जो है मुझे सामान लेना है और वापस मैं आऊँगा और आपकी बाइक आपको वापस कर दूँगा और गाड़ी में जो आपका पेट्रोल है वो मैं डलवा दूँगा और अगर गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है उसकी भरपाई मैं कर दूँगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा गाड़ी दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा और साथ में मेरी माता जी की दवाइयाँ भी आ जाएंगी। तो वो क्या बोलेगा, वो मना तो कर नहीं सकता। मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगा किसी को वो मना नहीं कर पाएगा और इस बात को समझ के मना करेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसके अंदर इमोशन डाल दिए ना, मैंने उसको रियल बात बता दी। अब बहुत सारे लोग जब किसी से हेल्प मांगते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, कस्टमर को समझाते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो वो उसकी बात करते नहीं है। अब मान लो मुझको अगर किसी को मोटिवेट करना है, मुझे किसी को बात समझानी है, मैं यही कहूंगा कि मैं आज आप लोगों की भलाई के लिए, आज मैं आप लोगों की जिंदगी की तरक्की के लिए आपको 4 या 3 ऐसे सूत्र देने वाला हूं जो आपके लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करने चाहिए। अभी आप नोट पेन निकालिए, ये 3 ही पॉइंट आपको जिंदगी में बहुत कामयाबी तक लेके जाएंगे। सबसे पहला है वो है नॉलेज, दूसरा है वो है मेंटोर की संगत, और तीसरा है आपके आसपास का माहौल। अगर आप इसे करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी में ब्लेंड भी कर पाएंगे और यह आपको बहुत तेजी के साथ लाइफ में आगे भी लेकर जा पाएगी। तो समझाना इजी हो जाएगा कि सामने वाला मेरे लिए कुछ बोल रहा है। इसके अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जी दोस्त तो गाड़ी देता ही नहीं है, दोस्त तो बाहर देता है। देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपको छोटा सा एक ट्रिक बताई कि ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, अपनी बात को ऐसे रखना चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले सामने वाले को समझना होगा सामने वाला है कौन। अगर हमसे बड़ा है तो हमें बड़े पोलाइटली बात करना होगा, हमसे छोटा है तो हमें रिक्वेस्ट करनी होगी भाई साहब दे दो यार हमें ना, हम थोड़ा सा कहीं जा रहे हैं, तकलीफ आ गई तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने क्या किया था, एक बार जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो मुझे 25,000 रुपये की जरूरत थी। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे थे भी नहीं और हम बहुत गरीबी से उस समय, मतलब 3.5 लाख रुपये कर्जा था हमारे ऊपर, तो मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिन ऐसे ही रैंडमली बैठा हुआ था, एक वीडियो मेरे पास आई अपनी बात को कैसे समझाएं, तो मैंने उस वीडियो को समझा और मैं किताबें में भी उस चीज़ को पढ़ चुका था। तो मैंने जब उस चीज़ को समझा और मैंने कहा यार इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले क्या होता था, मैं जाता था बोलता था कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए, मुझे अपना काम शुरू करना है। बोलता था भाई क्या कैसा काम है, क्या काम है, क्या करता है तू, क्या नहीं करता है, कैसे पैसे आएंगे। मैं बोलता था मैं दे दूंगा, दे दूंगा, तो उनका विश्वास होता नहीं था मेरे ऊपर। फिर मैंने क्या किया, अपनी एक हमारे गाँव में थे उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि नमस्कार, हमारे यहाँ जो है बड़े भाई को भैया बोलते हैं, मैंने कहा नमस्कार भैया, मैंने मैसेज लिखा नमस्कार भैया मुझे आपसे मदद चाहिए, आपने मेरी पहले भी बहुत मदद की है जिससे मुझे बहुत मदद मिली और मैं आपको अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूँ, मुझे आज आपसे एक मदद चाहिए। बीते कुछ समय से मैं खाली बैठा हूँ, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ और मुझे काम कहीं मिल भी नहीं रहा है, लेकिन मुझे अभी एक कंपनी के बारे में पता चला है जो अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है और जहाँ पर मैं अच्छे खासे पैसे कमा भी सकता हूँ और बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ। अगर आपने मेरी मदद की और मैं अगर जिंदगी में मैं कुछ कर गुजर गया तो मैं आपका जिंदगी भर आभार व्यक्त करूँगा, आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, आपने पहले भी मेरी बहुत मदद की है। अगर आप मुझे 25,000 रुपये की मदद दे पाएँ तो यह मेरी जिंदगी के लिए बहुत अनमोल धनराशि होगी और मैं इसको अपने जिंदगी के सीखने मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा और डैश इस नाम से कंपनी है मैं यहां पर काम करने जा रहा हूं। आप मेरी मदद कर सकें तो कृपया मेरी मदद करें, मुझे आपके सक्सेस सख्त जरूरत है क्योंकि मेरा जो करियर है वो अब आपके हाथ में, मैं कई जगह जा चुका हूं, मुझे कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो इस बात को जब मैंने उनको नोट करके मैंने टेक्स्ट मैसेज भेजा और क्योंकि मैं बना बना के लिखना जानता था तो थोड़ा मुझे आइडिया आ गया कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद जब मैंने लिखा तो उनका अगले शाम का मैसेज आया कि आप मेरे घर जाना और मेरे पिताजी से अब 25,000 रुपये ले लेना। अगले दिन मैं पैसे लेकर आया, मैंने अपना काम शुरू किया और उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ और उनको कभी आपको मिलाऊंगा इस चैनल के अंदर, मैं उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करूँगा, कभी भूलूंगा थोड़ी उन्हें। लेकिन मैंने प्रेजेंट करना सीखा, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बस आप मेरा भाव समझो कि आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि शब्दों की गरिमा क्या होती है, शब्द कैसे होते हैं। आप किसी की प्रेजेंटेशन पढ़ो, किसी की वीडियो देखो, उसने कैसे प्रेजेंट किया, वो अगर हंसाना चाह रहा था तो क्या उसने हंसाया, अगर वो कुछ समझाना चाह रहा था तो क्या उसने समझाया, अगर वो पर्सनैलिटी के बारे में समझा रहा था तो क्या उसने पर्सनैलिटी के बारे में समझा पाया, अगर नहीं समझा पाया तो उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, और समझा पाया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अब बात करते हैं अगले यानी कि 17वें पॉइंट की। वो 17वां पॉइंट है हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, हमारी आंखें जो होती हैं वो बोलती हैं। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर हम ऐसे बात करते हैं ना कि जी मुझे आपसे मदद चाहिए, जी मुझे आपकी कंपनी में काम चाहिए, जी मुझे सर आपसे ये चाहिए। अब पहले जब मैं गाँव में था तो पहले मुझे इसका आइडिया था नहीं उतना, लेकिन जब मैं सेल्स में आया तो जब मैं लोगों से मिलने लगा, मैं शोरूम जाने लगा, मैं लोगों से बातचीत करने लगा तो बहुत सारे सेल्समैन भी, बड़े बड़े कंपनीज के सेल्समैन भी ऐसे बात करते हैं कि सर हम आपको करा देंगे, सर आपको करा देंगे, सर आपको इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। वो आंखों में आंखें देख के बात नहीं करते हैं। आप बोलोगे सर आंखों में आंखें देख के किसी को इंप्रेस थोड़ी करना है हमने। अरे भाई साहब आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं आपसे आंख से आंख मिला के अगर मैं आपसे बात ना करूं, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरी आंखों में देखना, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारे सामने कोई तीसरा नहीं है। अगर मैं आपको देखने के बजाय
अगर वहाँ देखूँ, अगर आपको अपने पर्सनलिटी को डेवलप करना है तो आप जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाओगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना कामयाब हो जाओगे, आप बोलोगे राजेंद्र जी मैं गया सर, मैं तो गया, आप बोलते रहो जी मैं तो हो गया साफ। आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, अगर कोई पर्सन है या लेडी है या जेंट्स है, तो हमारे आंखों की जो गरिमा होती है ना बहुत खतरनाक होती है। सामने वाला सेंस कर लेता है, सामने वाला मुझे सुन रहा है, देख रहा है, या किस नज़र से देख रहा है, उसकी नज़र कहाँ है कहाँ नहीं है। आप मेरी बात को समझो, आपको फीमेल से और मेल से बात करने के तौर तरीके पता होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करो, अच्छा करो, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, आंखों में आंखें डाल के बात करो, बड़े पोलाइटनेस के साथ, जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप उसके जूते देख रहे हो, कभी उसके शर्ट देख रहे हो, कभी उसकी पैंट देख रहे हो, कभी उसके बाल देख रहे हो, कभी उसके कानों में कुंडल देख रहे हो, है ना। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो इस चीज़ को, मेल और फीमेल से बात करने का तरीका अलग होता है, आपको समझना पड़ेगा। आप जब भी किसी से बात करो तो आप कभी ना ओवर मत करो, ओवर मतलब कि बनावटी मत दिखाओ, जी जी हाँ यस ओ ओके ओ ओके ओके, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल, ओ सो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, भाई साहब पकड़ लेंगे लोग आपको, नकली आदमी को लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, समझ लो इस चीज़ को आप पहले। आप जब भी किसी से बात करो, ओके अच्छा वो इसमें ऐसा भी होता है, अच्छा इंश्योरेंस में क्या होता है ऐसे, अच्छा ओके अच्छा इसमें ये पॉइंट भी है, ओके और क्या है आगे, और क्या है, मतलब उससे पूछ रहे हो आप, उसके आंखों में डाल के उसको मजा आता है, अरे मुझसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है। जब भी किसी से बात करते हो, मान लो कि अभी मैं जो है शोरूम गया, अब ज़्यादातर जो है लेडीज़ होती हैं आजकल हर जगह, है ना, जो है गर्ल्स होती हैं, जब भी बात करता हूँ कहता मैम क्या आप मुझे इस चीज़ के बारे में बता पाएंगे प्लीज़, ये जो आपका प्रोडक्ट है इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे, बोलती हैं कि सर ठीक है, अब बताती हैं कि सर देखिए इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। कई बार तो वो जो है मतलब उनका आई कॉन्टैक्ट उतना अच्छा नहीं होता, कॉन्फिडेंस कम होता है, नए नए होते हैं, तो कहते हैं सर ये ओ, 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 सर सर देखो ऐसा कर देंगे सर, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते। जब एक्सपीरियंस उनको हो जाता है तब सर ऐसा होता है, सर ऐसा होगा, आप ऐसा कर लीजिए, सर ऐसा कर लीजिए, मैं आपसे आई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मालूम आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मैं कि सर देखिए ऐसा होता है, सर देखिए इसमें इंश्योरेंस में सारी चीज़ें होती हैं, और देन इसमें सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप बोलोगे ओके अच्छा अच्छा और क्या हो सकता है इसमें, अच्छा और क्या हो सकता है इसमें, ये आई कॉन्टैक्ट है भाई साहब, आई कॉन्टैक्ट। ये समझने में सीखने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन जब समझ जाओगे सीख जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे भी समय लगा, मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ, बस निचोड़, बाकी करना नहीं करना आपके हाथ में। अब बात करते हैं 18 पॉइंट की, 18 पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस, पहनावा कैसा होना चाहिए। पर्सनैलिटी बनती ही ड्रेसिंग सेंस से है। अब ड्रेसिंग सेंस के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आपको ऐसे जींस पहनने चाहिए, ऐसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, आपको ऐसी फिटिंग होनी चाहिए, इतना नंबर का ये होना चाहिए, बाल ऐसे होना चाहिए। मैं आपको सिंपल सा बताऊं पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी का मतलब होता है आपके कपड़े आपके कलर से, मेरा कलर सांवला है तो मुझे थोड़ा सा नेवी ब्लू व्हाइट ब्लैक भी अच्छा लगता है, तो मुझे अपने कलर के हिसाब से अपने कपड़ों को कंट्रास्टिंग कलर लेने होंगे जो मेरे कलर से अपोजिट हो। अगर मैं ब्लैक हूं, अगर मैं थोड़ा सांवला हूं, मैं बिल्कुल काले कपड़े पहन रहा हूं तो भाई अजीब लग जाऊंगा पूरा, है ना, तो फिर बड़े गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं आपसे, जिनका कलर बहुत गोरा है वो थोड़ा सा डार्क कपड़े पहनो, जिनका कलर थोड़ा सा डार्क है यानी कि थोड़ा सा सांवला है, जैसे मेरा कलर सांवला है, तो थोड़ा सा आप जो लाइट कलर पहनो। और जो भी आप कपड़े ले रहे हो आपके फिटिंग के होने चाहिए, सुनना बड़े ध्यान से, आपके फिटिंग के होने चाहिए, आपके लेंथ वाइज होने चाहिए, आप जो शूज़ खरीद रहे हो आपके फिटिंग के होने चाहिए, जो पैंट पहन रहे हो आप बिल्कुल फिटिंग के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जी भाई आपने पैंट तो ले ली, अब वो बिल्कुल भाई साहब तंबू बन के घूम रहा है या फिर बिल्कुल चिपक ही गया बिल्कुल पाँव से, ऐसा भी नहीं करना आपको, है ना। देवी और सज्जनों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीज़, आप जो भी कपड़े पहन रहे हो आपके कलर से अपोजिट उसका कलर होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप डार्क है तो आप जो है लाइट वाले कपड़े पहनो जो लाइट कंट्रास्ट करते हो, और अगर आपका कलर थोड़ा सा भाई साहब गोरा है तो फिर आप डार्क कपड़े पहनो और फिटिंग के कपड़े पहनो और जो आप पर जचते हैं। क्योंकि देखो ना कई बार क्या होता है कुछ कपड़े हमें अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छे लग रहे होते हैं, तो जैसे मैं हूं तो मेरे पर नेवी ब्लू व्हाइट और उसी के साथ साथ कुछ कपड़े और मेरे पर जो है अच्छे सूट करते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है इसकी, है ना। तो थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा कि कौन से कपड़े मेरे पर अच्छे लगते हैं, एक आधा पहनोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन से कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। लोगों से पूछ सकते हो ऐसा ये मेरे पर कैसा लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है लग रहा है, क्या मेरे पर जो फिटिंग अच्छी आ रही नहीं आ रही है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, आपके हेयर कट अच्छे होने चाहिए, आपकी दाढ़ी बनी होनी चाहिए, है ना, साफ होनी चाहिए, आप क्लीन से होनी चाहिए अगर आप क्लीन से रखना चाहते हो तो, लेकिन अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हो तो आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है, मेंटेन करने वाली चीजें हैं, आपको पर्सनैलिटी बनानी है ना अपनी। अगर आपको पर्सनैलिटी बनानी है तो पैसा भी करना पड़ेगा आपको, हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा। बाल आप समय समय पर कटवाते रहा करो, अपने दाढ़ी को जो है मेंटेन रखा करो, दाढ़ी जो है अपनी क्लीन सेव करके रखा करो, इस चीज़ को, है ना, सेव को बिल्कुल क्लीन रखा करो। अपने जो है आप अपने हाइजीन के ऊपर ध्यान दो, नाखूनों के ऊपर ध्यान दो, नाखून कटे होने चाहिए, है ना। उसी के साथ साथ आपके मुझे स्मेल तो नहीं आ रही है, आपके मोजे तो फटे हुए नहीं है, जूते तो फटे हुए नहीं है, क्योंकि देखो ना आदमी के औकात आदमी जो है जूते से जज करता है बहुत सारे केसेस के अंदर। लेकिन आपको एक डार्क सच और बताऊं, जिस दिन आप बहुत अच्छा है पैसा कमाने लग जाओगे उस दिन आप लोअर और चप्पल में भी जाओगे ना, तो आपकी वही पर्सनालिटी बहुत कामयाब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है ना तो हम फिर क्या करते हैं, फिर हमें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, अच्छे कपड़े अच्छे ये अच्छा वो। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जाते हैं तो फिर आपको पहनना चाहिए। अब मान लो मैं अर्न कर रहा हूं और मैं ऐसे आ गया ना हाफ शर्ट में, और भाई साहब आज आपको पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। आपने देखा होगा विदेश के अंदर जो बहुत भाई साहब खुद के प्राइवेट जेट है उनके पास,
प्राइवेट लग्जरी गाड़ियां उनके पास, बहुत शानदार शानदार घर है उनके पास, वो देखना ऐसी ना हाफ शर्ट में आके वीडियो बना रहे होते हैं, ओ दिस इज मैन है मैन आई एम मिलियन डॉलर अर्निंग है दिस दिस है ना, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, उतना मुझे पता तो नहीं इसके बारे में मतलब कैसे वो जो इंग्लिश को बोलते हैं, बट थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक होती है ना जो अंग्रेज होते हैं, तो बिल्कुल हाथ सड़ में आते हैं, ओ दिस मैन, हाथ में उनके सिगार होती है, आराम से बैठ के बोल रहे होते हैं, चश्मा होता है आंखों में, ओ बढ़िया करके बोल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जिस दिन आपके पैसा आ जाएगा उस दिन पर्सनैलिटी को आप जो अपने पहनावे के ऊपर कम ध्यान दोगे, लेकिन अपने कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। जहाँ से आपका पैसा आ रहा है, आज मेरी अर्निंग का मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरा प्रोफेशन है, अगर मैं इसकी इज्जत नहीं करूँगा, अगर मैं अपनी देख अपनी मैं क्लीन शेव नहीं रखूंगा, बाल अच्छे से नहीं कटाऊंगा, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, तो फिर मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में कभी। अपने काम से प्यार रखो, अपने काम की प्रति मोहब्बत रखो, अपने काम के प्रति कभी भी लापरवाही मत रखो, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, अपने पहनावे के ऊपर ध्यान दो, फिटिंग के कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, है ना, जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन बताया उसको देखो, अपने बारे में थोड़ा सा और जानो और समझो, लोगों से ओपिनियन लो, आपके ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट सबसे फेवरेट है, वो है टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझें और बॉडी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप कैसे खड़े होते हो, आप कैसे बोलते हो, आपका हैंड मूवमेंट कैसा होता है, आप चलते कैसे हो, आप जब किसी से बात करते हो तब आपका हैंड मूवमेंट कैसा होता है, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होता है, क्योंकि देखो ना आई कॉन्टैक्ट, कपड़े, आपका जो है पॉस्चर, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, ओ अंदाज बोलने का कैसा है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में ही आता है, इन सब चीजों से ही बॉडी लैंग्वेज बनती है। लेकिन तब भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी से बात करो, आप समझो अब मैं कैसे खड़ा हूं, ये मेरी एक बॉडी लैंग्वेज है जो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा वेटिंग करने वाली, अच्छा वेट कर रहा हूँ ना, ओ अच्छा ऐसे होगा, अच्छा अच्छा, तो ये क्या है कि थोड़ा सा इंतजार करने वाली बॉडी लैंग्वेज है, ओ सोचने वाली बॉडी लैंग्वेज है, अच्छा ओ समझने वाली बॉडी लैंग्वेज है, थोड़ा सा शक करने वाली लैंग्वेज है, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ। किसी को अगर आपको किसी का झूठ पकड़ना हो ना, तो जो बहुत ऐसे बात करता है ना कि देखो दिस मैंने ऐसे किया और मैं इतने लाख रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ और देखो ऐसा है मैं वहाँ भी गया मैं, अब क्या होता है ना जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हमारे नाक में ना थोड़ा सेंसेशन हो रही होती है, तो ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे छू रहे होते हैं, ये अपने आप हो जाता है। जब भी कोई झूठ बोल रहा हो ना और जब वो ऐसा करे बार बार ऐसा करे, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को बोलते हो देखा है वो ऐसे कर रहे होते हैं अब क्या होता है कई बार तो होता है कि चलो भाई खुजली लग रही है कोई भैया थोड़ा पसीना आ गया तो पूछ लो, लेकिन कई बार होता है किसी की आदत होती है तो अच्छा ओ सर ऐसे इस तरह से, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें होती हैं, ये वैज्ञानिक रूप से साबित भी हो चुका है कि भाई साहब जो बार बार नाकों में हाथ लगाता है वो थोड़ा झूठ बोल रहा होता है। इसके ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर किताबें हैं, इसके ऊपर उसके अंदर पूरा बताया जाता है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, वास्तव में होती हैं। कई बार जब भी मैं अपने घर वाले से कभी कभी झूठ बोल देता हूँ मतलब मजाक मजाक में, तो मैं ऐसा कर रहा होता हूँ, अच्छा ऐसा वो ऐसा ना मैं वहाँ गया था, समझ रहे हो आप इस चीज़ को, तो ऐसे हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, ओके अच्छा बताओ क्या कर लेगा भाई तुम्हारे लिए, क्या कर लेगा, जानता मैं कौन हूँ, है ना, ये थोड़ा अकड़ वाली है वो है बॉडी लैंग्वेज है, ये थोड़ा सोचना नहीं, अच्छा वो ऐसे भी होता है, अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा और ऐसे हाथ जेब में हाथ डाल के ओ समझ रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा मैच्योर, बिल्कुल मैच्योर है ना, और जब इसे बात कर रहा हूँ तो ओपन बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ओपन ओपन, तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, ओपन ओपन मतलब खुली बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, ऐसे डर के रहोगे ऐसे रहोगे बॉडी श्रिंक हो जाएगी, ऐसे करोगे ओ सर सर सर, तो ये ना ये डरे हुए लोगों की निशानी है, ऐसे कंधे झुके हुए हैं, कोई ऐसे चलता है, कोई ऐसे देखता है, कोई ऐसे चलता है, तो ये ऐसे मत चला करो, इस तरीके से सीना आपका थोड़ा सा तनाव होना चाहिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा अपने आपको आप जिम भी जाओ थोड़ा बहुत, मैं तो जिम जाता नहीं हूँ, मैं जो है योगा करता हूँ, और क्योंकि मैं योगा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिम को भी मैं जो है प्रेफर करता हूँ, जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं ज़्यादातर जिम नहीं जाता, मैं योगा ही ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि योगा से बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और अच्छे काम करते हैं, थोड़ा सा शरीर खुलता है, नसें खुलती हैं, है ना, तो इससे क्या होता है आपका एनर्जी बढ़ती है और आप जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज को हासिल भी कर पाते हो। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है, आप लोगों को देखो, आप मूवीज देखो, मैंने वहां से बहुत सीखा, ऑब्जर्व करके बहुत सीखा, ऑब्जर्वेशन बहुत आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जब कोई किसी से बात कर रहा होता है, किसी से बोल रहा होता है, किसी को डांट रहा होता है, किसी को समझा रहा होता है, किसी को बड़े प्यार से मना रहा होता है, तो किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। देखो बॉडी लैंग्वेज अगर मैं चाहूँ तो एक घंटे में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बोल सकता हूँ भाई साहब, इसलिए कह रहा हूँ आपसे माताओं और बहनों, देवियों और सज्जनों, पुरुष एंड सज्जनों जो भी है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और लोगों को बताना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जबरदस्त कोर्स आ चुका है। अब हम बात करते हैं 20वें पॉइंट की, 20वां पॉइंट है लर्न टू रीड पीपल, यानी कि लोगों को पढ़ना सीखो। दुनिया के अंदर अगर आपने लोगों को पढ़ना नहीं सीखा, उसके लिए दिमाग और दिल दोनों की जरूरत पड़ती है किसी को पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को खोल खोल के पढ़ो, अगर जा रहे हो अरे भाई चल रहे तो पढ़ता हूँ अच्छे से, ऐसा नहीं करना आपको, सुनो पहले बात मेरे ध्यान से। पढ़ने का मतलब क्या होता है, जब भी कोई आपसे बात कर रहा होता है, जब भी कोई आपके सामने आ रहा होता है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसका मोटो क्या है,
उसको आपको कैसे पकड़ना है। जब भी आप किसी नेगेटिव इंसान को देखते हो ना, तो आप दूर से ही उसके ऑरे को पहचान लेते हो। हमारे बॉडी में हमारा एक हवामंडल होता है, एक हवामंडल होता है जो हमारे शरीर के चारों ओर घूम रहा होता है, हमारी उसको बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब हम किसी के पास जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। जब हम किसी नेगेटिव आदमी जो हमें चिढ़ता है, हमसे जलता है, हमारे नफरत करता है हमसे, उसके बाद जैसे हम जाते हैं अपने आप ही हमें गंदा फील होने लग जाता है, अपने आप ही हमें बुरा लगने लग जाता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे अपनी लाइफ में भी कि जो मेरे सामने तो मेरी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मेरी पीठ पीछे जाके मेरी बुराई कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो मेरे सामने अराउंड आ रहे होते हैं, उनके बोलने का तरीका, मैंने कहा नकली आदमी को इंसान पकड़ लेता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ढोंग करता है उसको पकड़ लेता है आदमी। मेरे सामने आके बोलते हैं, अरे राजेंद्र भाई क्या अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया, उसके पीछे पीछे जाके मेरे पीछे जाके बुराई कर रहे थे, ऐसी है भाई, ऐसी है ना, ऐसी है। तो ये क्या है, लोगों को पढ़ना सीखो। जब भी आपके सामने कोई आए, आपसे कोई बात करे, उसका इंटेंशन हम समझ जाते हैं, हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी है, जब उसकी बॉडी की एनर्जी से तालमेल करती है, तो हमारी अगर एनर्जी मैच नहीं होती है तो हम समझ जाते हैं कि हम इसके काम के आदमी नहीं है। हमारा संबंध भी उससे बनता है, दोस्त भी हमारे वही बनते हैं जिससे हमारी एनर्जी मैच कर रही होती है, हमारे विचार मैच कर रहे होते हैं। जिनसे विचार मैच ना करें, जिनकी संगत मैच ना करें, जिनसे रिश्ते मैच ना करें, उनको निकाल देना चाहिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो आपको हमेशा दुख ही देंगे। तो लोगों को पढ़ने का मतलब यह है कि मतलब ही लोगों को पढ़ना सीखो, जो धोखेबाज है लोगों को पढ़ना सीखो, जो आपकी चुगली करते हैं उनको पढ़ना सीखो, जो आपकी अच्छाई के बारे में बात करते हैं उनको पढ़ना सीखो, जो आपका साथ देते हैं उनको पढ़ना सीखो। क्योंकि जब आप पढ़ना सीखोगे लोगों को ना, जब आप उनको समझना शुरू करोगे, आप जब उनकी नज़रों में अपने लिए इज्जत देखोगे, उनकी नज़रों में अपने लिए जब आप बेइज्जती देख लोगे, तो अपने आप उनसे दूर भी हो जाओगे, अपने आप उनके पास भी आ जाओगे। ये बहुत 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 समझने वाला टॉपिक है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, निचोड़ दे रहा हूँ। लोगों को पढ़ना सीखना है, ऑब्जर्व करना सीखो, कौन आपसे कैसे बात कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्यों बात कर रहा है, क्यों उसने ऐसा कहा, किस लिए आपके पास आया है, क्यों आपसे इतना घुल मिल रहा है, उसकी आप इंटेंशन को समझो, आप पकड़ लोगे कि आपको करना आगे क्या है, और लोगों को पढ़ना आप समझ जाओगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं 2100 पॉइंट की। 2100 पॉइंट है लर्न टू स्पीक लेस, कम बोलना सीखो, ज्यादा मत बोला करो। मेरी आदत आज भी बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने से मुझे कई बार बहुत ज्यादा फायदे भी हुए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी बोलते 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 बहुत सारे सवाल पूछ लेता हूं लोगों से, और जब बहुत सारे सवाल पूछ लेता हूं तो उससे क्या होता है, मैं बहुत सारी चीजें जान भी लेता हूं। लेकिन कई बार मैं बोलते बोलते अपनी कुछ ऐसी बातें मैं लोगों को बता दिया करता था जिससे मुझे बहुत नुकसान होता था, बाद में मुझे गिल्ट फील होता था, मुझे बुरा लगता था कि मैंने अपनी ये बात क्यों बता दी उसको, उसको मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। वो भले ही मेरा जानने वाला समझने वाला है, लेकिन उसको मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, बहुत रेयर बात है, क्योंकि आजकल लोग तो गिरगिटी को तरह बदल जाते हैं। तो मैंने कहा मैंने बताना नहीं चाहिए था उसे, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है मैं उसे ही अपनी बातें बताता हूँ, उसके लिए मैं खुली किताब हूँ। जिसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं होता उसको मैं एक रत्ती भरे में बताता हूँ। लेकिन कई बार मैंने गलती करी, मैं अनजान लोगों को भी जो ऐसी मिल गया रैंडमली, उसको बहुत सारी बातें बता दी, रिश्तेदार को बातें बता दी, दोस्त को बातें बता दी जिसको बतानी नहीं चाहिए थी। तो इससे क्या होता है, कई बार मुझे नुकसान भी हुआ। कम बोलने का मतलब है, जिसके सामने जितनी बोलने की आवश्यकता हो उससे उतना ही बोलो। किसी अगर गुरु आपको मिल गया, कोई मेंटर आपको मिल गया, उससे बोलो, सवाल पूछो, क्वेश्चन करो, सर मुझे इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब मुझसे मिलते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर हैं, हमारे जो सीपीज हैं, जब मुझसे मिलते हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा पूछता हूँ। वो बोलते हैं राजेंद्र जी आप कब चुप होगे, मैं बोलता हूँ सर जब आप मेरा सवाल का आंसर कर दोगे। तो मतलब मैं बहुत पूछता हूँ, और देखो पूछते रहने का ही, सवाल पूछते रहने का ही सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो। लेकिन अपनी पर्सनल बातों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा लोगों को मत बताओ, ज़्यादा किसी को पीछे मत पड़ो, ज़्यादा अपने वैल्यू को खत्म मत करो, ज़्यादा बोलने से वैल्यू खत्म भी हो जाती है, तो कम बोलना सीखो। अगला पॉइंट है, 22वां पॉइंट है, लर्न टू से नो, ना बोलना भी सीखो। जिंदगी में कई बार मुझे ना बोलने के कारण मुझे बहुत नुकसान हुआ। कई बार लोग बोलते थे भाई मेरा काम कर दिया यार, मैं अपना मेन काम कर रहा होता था, मैं छोड़ छाड़ के, अरे मैं सोचता था बुरा लग जाएगा यार, मैं उसके साथ चले जाया करता था। लेकिन जब उसकी बारी आई कि मैंने कहा भाई ये काम कर दे, अरे मैं काम में गया हूं, अरे मैं ये कर रहा हूं, मुझे टाइम नहीं है, मुझे समय नहीं है, तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब ना करना भी सीखो, पहले अपना काम करो, लेकिन जिसकी मदद आपको करनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पड़ोसी को भाई साहब कोई दिक्कत समस्या आ गया आप उसके पास जा ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। जब किसी को जरूरत हो तब आप वहां पर जाओ, मतलब जब इसको बहुत गंभीर जरूरत हो, थोड़ी कि भाई चल मोमो खाने चल रहे हैं, भाई चल मेरे साथ वहां मार्केट चल दे, भाई तू ये कर रहा तो मेरे साथ भाई वहां चले जा, भाई मेरे साथ वहां चल दे, जबकि आपको पता है कि वहां जाके कुछ होना नहीं है, वो खाली साथ लेके जा रहा है आपको। देखो साथ जाना सही है, साथ देना सही है, लेकिन खामा का टाइम खराब करना, भोले भाले लोग समय पर अपने ना को नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत टाइम को खराब भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम खराब भी होता है, लोग आपके वैल्यू नहीं करते, लोग बोलते हैं वैल्यू आदमी जब मन में आए तब बुला लेंगे इसको, तो ऐसा आपको नहीं बनना। अब अगला पॉइंट है, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यानी कि अनजान लोगों से बात कैसे करें। देखो हमारा डर होता है ना, डर क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों से बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, हम अनजान लोगों से बात नहीं कर पाते, है ना। अनजान लोगों का मतलब क्या है कि कोई बाहर मिल गया, कहीं ट्रेन में मिल गया, मेट्रो में मिल गया, कहीं बस में मिल गया। वैसे अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, आजकल तो भाई साहब लोग लड्डू माता नहीं मिला हम लोगों को खिला देते हैं ना ट्रेनों बस के अंदर, तो वहाँ थोड़ा बचना चाहिए आपको, है ना। लेकिन क्या है कि अनजान का मतलब क्या है कि मान लो कहीं गए
और आपको किसी से भाई साहब पूछना कि भाई यहाँ का रूम अवेलेबल है या नहीं है, हम सफ़र करने हैं, हम जो ट्रैवल कर रहे हैं हमारे फैमिली साथ में है, क्या हम यहाँ पर कहीं रूम है या नहीं है, किसी से रास्ता पूछना है, किसी से कुछ चीज़ के बारे में पूछना है, किसी से कुछ और सारी चीज़ें जो है जानकारी चाहिए कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा, कैसे होगा, मतलब सवाल करना सीखते हो जब आप, तो क्या होता है कई बार लोग ना पूछते नहीं है, और पूछने का मतलब है कि लोग बातें नहीं कर पाते। अब जब किसी से बात करते हो तो एक बार मुझे याद है, मैं एक बार जब मैं अपने शहर में, मतलब यानी कि जब मैं शुरू शुरू में जो है मैं गांव से शहर निकल के आया, जब मैं काम करने लगा, तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे किसी से रास्ता पूछना था, और मुझे रास्ता पूछना था तो पहले हम गांव से कभी निकले नहीं, तो मैं पूछने में बहुत डर रहा था, घबरा रहा था कि कैसे पूछूं क्या पूछूं। मैं गया उनके पास जो एक चाय वाले थे, मैंने चाय ली, मैंने चाय पी, मैंने कहा अंकल मुझे ना वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए कैसे जाऊँगा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है तो कैसे हो पाएगा। फिर मैं बेटा आप ऐसे करना है, यहाँ से आगे जाना, आगे से लेफ्ट कर जाना, वहाँ से आपको 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, आगे जाने के बाद आपको एक हाईवे मिलेगा, हाईवे से आप 20 किलोमीटर आगे जाना, वहाँ पर जो है आप लोगों से पूछना आपको मिल जाएगा। उसके मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल यहाँ पे तो मुझे रूम चाहिए, क्या रूम मुझे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, रूम मिल जा रहा है, मैं रूम की जो है मैं रूम ढूंढने के लिए निकला हूँ, और वहाँ पर भी मैं जो है रूम देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या आसपास मुझे को रूम मिल सकता है, अच्छा रूम मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे 3-4 नंबर दिए, 3-4 नंबर दिए, तो मैंने उनसे कॉल की, बात की, और मेरा रूम उसके आसपास ही मिल गया। मतलब मुझे 20 किलोमीटर आगे नहीं जाना पड़ा जहाँ मैं जाना चाह रहा था, मुझे वही रूम मिल गया, बढ़िया रूम मिल गया, घर के पास रूम मिल गया, बढ़िया, मैंने अपना काम शुरू कर दिया, वहीं मैंने अपना सेटअप लगाया, वहीं से मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो स्ट्रेंजर से मतलब क्या है कि छोटी छोटी बातों को पूछना सीखो। कभी कभी क्या होता है, मैं जानबूझकर मैं पुलिस वाले जैसे खड़े होते हैं, मैं गाड़ी सेटअप लगाता हूँ, जाकर पूछता हूँ कि सर मुझे वहाँ जाना है, देखिए मुझे पता होता है कि मुझे जाना है, इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे जब आप पुलिस वाले से बात करते हो, आर्मी वाले से बात करते हो, किसी वकील से बात करते हो, किसी बड़े ओहदे पर जो बैठा उससे बात करते हो, तो आपके ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी हिम्मत बढ़ती है, जो मिले उससे कुछ ना कुछ पूछना शुरू करो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। मैंने किया है, मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको। देखो कोई किताबें पढ़ लो, कोई वीडियो देख लो, कोई कोर्स देख लो, जब तक भाई साहब प्रैक्टिस नहीं करोगे सारा यूजलेस है। अगला पॉइंट 24वां पॉइंट है, वो है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कैसे करें, कहानी को बोलें कैसे, कहानी को समझाएं कैसे। अब आपको मैं कहानी सुनाने का तरीका बताता हूँ। कहानी सुनाने का तरीका क्या है, आपने इस चीज़ को पकड़ा, आपने एक टॉपिक पकड़ा और आपने उसको एंड में खत्म कर दिया, और आपने उसको ऐसे बोला जैसे कोई स्टोरी बोल रही हो। स्टोरी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कई बार अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने गांव से सफर शुरू किया, मैं गांव से आगे अगर आके जो है बाहर निकला, मैंने फिर आगे काम किया, इस तरह की जिंदगी में आगे बढ़ा, तो मैं स्टोरी ही तो बोल रहा हूँ। मतलब मेरी वो लाइव स्टोरी है, मेरी पर्सनल स्टोरी है, मेरी रियल स्टोरी है। कहते ना किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का हुनर छप जाता है, तो अपनी स्टोरी टेलिंग के तरीके को बनाओ। अपने स्टोरी टेलिंग के तरीके को जब आप बनाओगे तो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेगी, आपके पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्प करेगी, आप लोगों को समझा पाओगे, आप अपनी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। स्टोरी का मतलब यही है कि जब आप किसी चीज़ को एक समावेश में बांध देते हो, उसको लाइव में बोलते हो, तो वह एक स्टोरी बन जाती है। मान लो मैं कहता हूँ एक बार की बात है, एक आदमी जंगल में गया, और जैसे ही वो जंगल में गया तो पीछे उसे शेरों ने घेर लिया, और शेरों ने घेर लिया तो उसने अपनी लाठी निकाली, और लाठी निकालने के बाद वो शेर से जाकर लड़ पड़ा, और लास्ट में जीत किसकी हुई? अब आप बोलोगे आदमी की जीत हुई या फिर किसी शेर की जीत हुई? अब आप बोलोगे सर नहीं, शेर की जीत हुई होगी, क्या पता उस आदमी ने उन शेरों को भगा दिया उड़ा के। अब आप बोलोगे सर आगे बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये क्या स्टोरी है, मैंने आपको बताया कि मतलब एक आदमी जंगल में गया, शेर से लड़ा, उसके बाद जब उनका एंड रिजल्ट आया तो जो है आदमी ने शेरों को या शेर ने आदमी को पकड़ लिया या फिर आदमी ने शेर को भगा दिया। तो ये क्या स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है, इसको समझना पड़ेगा, जिसमें आपको फैक्ट, फिगर, स्टोरी, उसमें इमोशन, इन सभी चीज़ों को जब आप डालते हो तब जाके आपके कंप्लीट स्टोरी बनती है। और स्टोरी ना इसको समझने का बहुत जो है स्ट्रॉन्ग तरीका यह है कि आपको अपनी चीज़ों को, आपने अपने प्रेजेंटेशन को, लिखने के तरीके को बदलना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी स्टोरी को प्रेजेंट कर पाते हो। जब आप लिखते हो ना किसी चीज़ को, जब आप समावेश में लिखते हो, क्योंकि स्टोरी जब आप बोलोगे तो लिख के बोलोगे, पहले आप लिखोगे, फिर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको आप प्रेजेंट करोगे, तो क्या है इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ कि ये चीज़ें भी पर्सनलिटी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, ताकि जब आप किसी चीज़ को सीखोगे तो आप समझोगे राजेंद्र ने उस दिन स्टोरी टेलिंग के बारे में भी बताया था, मुझे ये भी सीखना है। तो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप इनको सीख सको। अब बात करते हैं 2500 पॉइंट के, 2500 पॉइंट है हाउ टू डेवलप ह्यूमर, क्या कब क्या बोलना चाहिए। आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ना, कमाल का होना चाहिए, मतलब कब क्या बोला, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सा रफनेस, थोड़ा सा पोलाइटनेस, थोड़ा सा अग्रेशन, है ना, ये क्या होता है ह्यूमर में आता है आपका। ह्यूमर का मतलब होता है कि किसी को हंसा देना, किसी को समझा देना, कब थोड़ा सा अपने बीच में चुटकुले डाल देना, थोड़ा सा उनको जो है आप क्या बोला, अचानक आपने कुछ उसमें ऐड कर दिया। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, आप तो बहुत तेज आदमी हो। आप बोलोगे राजेंद्र जी तेज तो मैं बहुत हूँ लेकिन आप भी कम तेज नहीं हो, है ना। इस तरीके से क्या होता है, ये ह्यूमर है। आपने अचानक ऐसा नहीं बोला कि राजेंद्र जी आप कैसे बोल रहे हो सर,
मैं कहाँ तेज आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल सीधा आदमी हूँ, आपने थोड़ा सा ह्यूमर डाल दिया, थोड़ा हंसी मजाक डाल दी, अब मैं भी थोड़ा आपसे हंसी मजाक करके बात कर रहा हूँ, आपने थोड़ा हंसी मजाक कर लिया मेरे साथ, तो ये ह्यूमर है, मतलब इसको डेवलप करना पड़ता है अपने हिसाब से, है ना। अपने हिसाब से डेवलप करोगे तो बहुत तेजी से इसको आप इंप्रूव कर पाओगे। 26वां पॉइंट क्या है, हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, वो 17-18 मिनट की वीडियो थी, उसको जाकर आपको देखना चाहिए, उसमें विस्तार से बताया, लेकिन आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपनी सफलता को सबसे पहले हासिल करना होगा, क्योंकि हम कभी भी किसी की इज्जत करते हैं तो दो ही शर्तों में उसकी हम इज्जत करते हैं, या तो बहुत कामयाब आदमी है या फिर बहुत नॉलेजेबल आदमी है। नॉलेजेबल होगा तो कामयाब अपने आप होगा, कामयाब होगा तो नॉलेजेबल अपने आप होगा। अपनी कीमत को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी मेंटल पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर, अपने सीखने के ऊपर, इन सभी के ऊपर काम करो, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ती है। खाली बोलने से वैल्यू नहीं बढ़ती। अगर मैं आपको अगर कुछ बोल रहा हूँ आज, तो मैंने करके दिखाया भी तो है। अगर मैं ऐसे उठ के आके बोल रहा होता, आप बोलते भाई साहब पहले तो खुद तो कुछ कर ले मेरे भाई, पहले तो खुद तो कुछ करके दिखा, पहले पब्लिक स्पीकिंग खुद तो करके दिखा, पहले सफलता खुद तो पाके दिखा। मैंने जब किया, हासिल किया, तभी तो आपको बता पा रहा हूँ ना आके। अगर मैं ऐसे उठ के मुंह उठा के आके बोल रहा होता ना, आप पता नहीं कमेंट में आके लिख के मुझे जा रहे होते। अब जरा बोलूंगा नहीं आपके मुझे, मतलब कमेंट में आके लिख के जाते, पर बता रहा हूँ कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी सफलता के ऊपर काम करो। जिस दिन सफल होगे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ड्रेसिंग सेंस अच्छा करो, बोलने का तरीका अच्छा रखो, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपने सफलता के ऊपर काम करो, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, सफल होकर लोगों को दिखाओ, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है जिस दिन आप पैसे कमाना शुरू करते हो। तो पैसा बहुत पावरफुल चीज़ है भाई साहब। अब बात करते हैं 27वें पॉइंट की। 27वां पॉइंट है हाउ टू बिकम ए लीडर। लीडर कैसे बने, एक लीडर होता कौन है, लीडर का मतलब कौन होता है जो पूरे लोगों को लीड कर रहा होता है। जैसे कोई पॉलिटिशियन है, वो टॉप पे बैठा हुआ है तो बाकी लोगों को नीचे जो है उसको लीड कर रहा होता है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। एक बॉस है तो लोगों को लीड कर रहा होता है नीचे, टीम को लीड कर रहा होता है। एक मैनेजर है तो लोगों को लीड कर रहा होता है नीचे, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लीडर का मतलब यह होता है कि एक लीडर सबका भला करता है, सबको रास्ता दिखाता है, सबको आगे बढ़ने में मदद करता है, और खुद की भी मदद करता है, खुद को भी आगे बढ़ाता है, खुद भी सीखता है, खुद भी सीखता है, लोगों को सिखाता भी है, मदद भी करता है, मदद लेता भी है, और लोगों को आगे बढ़ने के तौर तरीके समझाता भी। इसको बोलते हैं लीडर। जब आप लोगों की वो पाने में हेल्प करते हैं जो वो पाना चाहते हैं, और आप उनकी उसमें मदद कर देते हैं, तो आप एक लीडर बनना शुरू करते हैं। लीडर का मतलब होता है लोग किसी को सुने। महात्मा गांधी एक लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस एक लीडर थे, और हमारे ऐसे अन्य जो भी टॉप लीडर्स पुराने समय में रहे हैं और आज के समय में रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियन रहे हैं जिन्होंने बहुत झंडे गाड़े हैं, उन सभी लोगों ने लीडरशिप का एक बहुत तगड़ा लेसन दिया है। लीडरशिप का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना, वही एक लीडरशिप की पहचान है। जब सबकी हम हेल्प करते हैं, सबका हम भला चाहते हैं, सबका हम आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तब जाके हम लीडर बन पाते हैं। लीडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना लालच खत्म करना पड़ेगा, अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी, अपना गुस्सा शांत रखना पड़ेगा, और अपने आप को नए नए तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। और लोगों की मदद करने के लिए आप उनके साथ रहो, मिलजुल के काम करो, एकता बना के काम करो। एकता में जो विश्वास करता है वो लीडर बन जाता है, क्योंकि लीडरशिप की जो पहचान है बहुत अलग अलग है। कोई कहता है बहुत कामयाब आदमी है तो वो लीडर है, कोई कहता है जी बहुत जो बहुत संत आदमी वो भी लीडर है। देखो हर किसी का लीडर होता है, स्पिरिचुअल लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, कॉर्पोरेट लीडर होता है, बिजनेस लीडर होता है, हर जगह लीडर लीडर होते हैं, हर जगह लीडर काम आता है। तो इसलिए लीडर बनने की सबसे पहले क्वालिटी है वो है सीखना, और वो है कामयाबी। जब आप कामयाब हो गए तब आप लोगों को सिखाओगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, और आप उन्हें लीड करोगे, अपना रास्ता दिखाओगे। लीडर, लीडर की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको और भी दे सकता हूं, लेकिन अभी हम थोड़ा तेज चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। 2800 पॉइंट है हाउ टू एलिमिनेट साइनेस, शर्म को खत्म कैसे करें। शर्म का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने में शर्म महसूस करना, किसी काम को करने में लज्जा महसूस करना। अरे मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा बोलूंगा तो मेरे साथ वाला क्या बोलेगा, ऐसा करूंगा मेरा दोस्त क्या बोलेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से मैंने समझा कि शर्म किससे कर रहा हूं, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उन लोगों से जो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं किस चीज में शर्म कर रहा हूं, मैं लोगों से बोलने में शर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को प्रेजेंट करने में शर्म कर रहा हूँ, मैं कैमरे के बोलने में शर्म कर रहा हूँ, मैं सेल्स करने में शर्म कर रहा हूँ। मेरा भाई है, मेरा भाई बोलता है भाई मैं ना सेल्स का काम नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे साथ काम नहीं करते हैं, है ना, वो अलग काम करते हैं। तो बोलते हैं जी मैं तो तेरे साथ काम नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों, अरे यार कस्टमर से बात करता हूँ, मान ले कहीं मैंने कस्टमर को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैंने कहा बेइज्जती होना ही तो सफलता की पहली निशानी है,
तो शर्म करेगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो सामने फोन में बैठा हुआ है, तू इधर फोन में बैठा हुआ है, वो तेरी जाके दसों के सामने बेइज्जती कर रहा है कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, अरे इसको आता नहीं बोलना। शर्म जब तक करते रहोगे तब तक जिंदगी में कुछ कामयाब हासिल कर नहीं सकते। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग शर्म के कारण कोई काम स्टार्ट कर नहीं पाते हैं, बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर पाते जिसको दिल से करना चाहते हैं। अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे दोस्त क्या बोलेगा, अरे पड़ोसी क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, छह महीने गायब हो जाओ, कोई पूछेगा तक नहीं, वो आपने गया कहाँ, सब भूल जाते हैं भाई सब। कुछ शर्म मत करो, शर्म को खत्म करो। शर्म को खत्म करने का एक ही तरीका है कि लोगों को बोले बोलने दो ना जो बोलता है, नाम हो बदनाम हो गुमनाम नहीं होना चाहिए, ये मेरा फंडा है। कुछ भी करो तो लेकिन कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए आपके अंदर, यही आपके शर्म को खत्म करेगा। अब बात करते हैं 29वें पॉइंट की, वह है हाउ टू एलिमिनेट फियर, डर को कैसे जीतें। डर को मेरा फंडा है, डर को जीतने का एक ही तरीका है, जिस काम को करने से डर लग रहा है उस काम को कर डालो। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं पुलिस वाले से जाके कैसे बात करूं, जाके बात करके आ जाओ, एक बार पूछ के आओगे सर आपने ना ये जो पुलिस की जॉब आपने कैसे हासिल किया, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, आपने कैसे क्या किया, कैसे क्या नहीं किया। मैं कई बार जाता हूं ऐसे, एक बार पूछने चले गया, मुझसे बोले अभी तो कितने पढ़ते हो, मैं सर अभी मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूं, मैं सर मैं भी सोच रहा हूं कि मैं पुलिस में जो है भर्ती हूं। अरे लंबाई तो तेरी कदकाठी तो अच्छी है, थोड़ा सा वेट बढ़ा अपना, पेपर पढ़ दे, इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ना हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वहां से जब बाहर निकला एक खुशी हुई, बात कर ली। ये डर को हटाने का तरीका है। अपने टीचर से जाके बात करो, अपने वहाँ जिसको बहुत सफल मानते हो उससे जाके बात करो। अरे बात करने का दम तो रखो, जिस काम से डरते हो उस काम को करना तो सीखो। जब साइकिल चलाने नहीं आती थी बार बार गिरते थे, बार बार साइकिल चलाते थे, हर चीज़ को सीखने में डर महसूस होता है, बट डर एक दिन खत्म हो जाता है जब आप उसको करना स्टार्ट करते हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, बहुत ही पावरफुल टॉपिक। अब बात करता हूं आपके थोड़ा सा सामाजिक जीवन की, वह टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज कैसे करें, लोग बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं कर पाते सर, सुबह से शाम कब बीत जाती है पता नहीं चलता। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना और स्क्रीन टाइम में जाना और वहां जाकर देखना कितना टाइम आप सोशल मीडिया में बिताते हो। मैं लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूं, फालतू टाइम रील देख रहे हो, गाने देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव देख रहे हो, अच्छी बात है। तो क्या ये टाइम खराब ही तो है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। आज हर एक ऑन एन एवरेज आदमी 3 घंटे दिन में मोबाइल चलाता है, 3 घंटे मिनिमम, और मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। मैंने एक दिन अपना भाई का मोबाइल चेक किया, 12.5 घंटे 13 घंटे एवरेज टाइम निकल के आया उसका। तो मैंने बहुत लपेटा उसको, मैंने बहुत डांटा उसको, बहुत फटकार मारी मैंने उसको, है ना, किसी को रोक तो सकते हैं नहीं लेकिन उसको डांटना फटकारना जरूरी था। तो लोगों के पास बहुत टाइम है, लोग करते नहीं है भाई साहब काम। अब आप ठीक है, आपको बोलोगे सर जॉब करते हैं हम, तो पढ़ाई करते हैं हम कैसे मैनेज करें। जो पढ़ाई करता है जॉब करता है जिसके पास एक्चुअल में टाइम नहीं है उसकी बात मैं अब करूंगा। जो खाली वेल लगरी करता है सर टाइम ही नहीं है, टाइम बहुत है भाई तेरे पास, तू करता कुछ नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ करना सीखो, मोबाइल को साइड हटाओ, कुछ काम करो। अब बात करता हूँ टाइम को मैनेज कैसे करें। टाइम को मैनेज करने का सबसे अच्छा फंडा यह है, जब भी आप सुबह सुबह उठो अपने मोबाइल को सबसे पहले आप दूर रखो। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, एक्सरसाइज कर लो, अच्छा नाश्ता कर लो, उसके बाद जाके जब आप अपने दैनिक कामों के ऊपर ध्यान दोगे तो अब आपको अपने शेड्यूल बनाने जरूरी है। देखो मैं मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ, मैं टाइम के हिसाब से काम नहीं करता, क्योंकि काम करने वाले के लिए टाइम मैटर नहीं करता। वो रात के 2 बजे भी काम कर रहा होता है तो काम कर रहा होता है ना। मतलब हाँ, अगर टाइम को मैनेज करना चाहते हो, मान लो सुबह से शाम तक आप स्कूल में रहते हो या काम करते हो, शाम को आपको जो टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है या टाइम आपसे बहुत छूट जा रहा है, तो आप रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अपने लर्निंग में अपने काम को दो, जो भी आप सीखना चाहते हो, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो। तो सुबह 1 घंटा दोगे, शाम को 1 घंटा दोगे, रोज के 2 घंटे हो गए, और 10 दिन के कितने हो गए, 20 घंटे हो गए, और पूरे महीने के कितने घंटे हो गए, अगर 30 दिन का दिन है तो कितना हो गए, 60 घंटे हो गए, 60 घंटे हो गए। यानी कि आपने 60 घंटे अपने ऊपर दे दिए, रोज 2 घंटे दोगे तो 10 दिन में 20 घंटे हो गए, और महीने भर में कितने हो गए, 60 घंटे हो गए। तो यानी कि आपने 60 घंटे तो अपने ऊपर दे दिए। अब इस 60 घंटे को धीरे 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 बढ़ाते रहो, इसको जो है आप 1 घंटा 15 मिनट कर दो, फिर 1 घंटा 15 मिनट करोगे तो फिर शाम को भी 1 घंटा 15 मिनट कर दो, यानी कि रोज आप कितना कर रहे हो, 2.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो आप, 2.5 घंटा अपने टाइम को टाइम दे रहे हो, है ना। तो इस तरीके से बढ़ाते रहो, मेरा फंडा है। मैं टाइम को मैनेज करने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता हूँ काम के ऊपर। जब मैं जिस चीज़ को कर रहा होता हूँ वो मेरा टाइम मैनेजमेंट होता है। और अगर आप सोचोगे ना सुबह 8 बजे उठ के खाना खाऊंगा, 9 बजे किताब पढ़ूंगा, 10 बजे यहाँ जाऊंगा, 12 बजे वो करूंगा, फिर स्कूल से आऊंगा, ये करूंगा, तो कभी कभी क्या होगा, आपको कहीं शादी में जाना पड़ेगा, घर का कुछ काम करना पड़ेगा, किसी के फंक्शन में जाना पड़ेगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, तो टाइम कैसे मैनेज करोगे आप, आपका तो हो गया गेम ओवर। मतलब क्या है, जो आपको काम करना ही है उसको कर दोगे तो अगर आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। मान लो आपने कहा कि सुबह रोज 1 घंटे किताब पढ़ूंगा और आप सुबह नहीं पढ़ पाए, तो शाम को तब तक नहीं सोगे जब तक 1 घंटा किताब नहीं पढ़ोगे। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। दिन में अगर कोई चीज मिस हो गई तो शाम को उसको पूरा करके आपको सोना है, ये टाइम मैनेजमेंट है, मेरा फंड है।
निचोड़ कर दे रहा हूँ आपको मैं सर चीजें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वक्त। अब बात करते हैं हम आगे इसके ऊपर। वैसे ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी जाकर एक बार आप चैनल में जाकर जरूर देखना, सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो लंबी हो रही है बट जबरदस्त वीडियो है। अब बात करते हैं 31वां पॉइंट की। 31वां पॉइंट है हाउ टू इंक्रीज विल पावर, अपने जीतने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने जीतने की पावर को कैसे बढ़ाएं, अपने विल पावर को कैसे बढ़ाएं, अपनी आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं। अब आत्मशक्ति कैसे बढ़ती है, विल पावर कैसे बढ़ती है, जब हमारे पास क्लैरिटी होती है, हमारे पास साफ सुथरा एक रास्ता होता है कि हमें इस पर चलना है, हमें यही काम करना है। मुझे था कि मुझे इसी काम को, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे कंसल्टिंग भी करनी है, मुझे सेल्स भी सीखनी है, मुझे मार्केटिंग भी सीखनी है, मुझे इन सब के ऊपर काम करना है। तो मैंने उसी तरह की किताबें पढ़ी, उसी तरह के कोर्सेज देखे, उसी तरह की मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। जब हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो तब जाके हमारी विल पावर बढ़ती है। जब हम अभी ये कर रहे होते हैं, कभी वो कर रहे होते हैं, कभी ये कर रहे होते हैं, कभी वो कर रहे होते हैं, तो हमारी विल पावर टूट जाती है। तो हमें अपनी विल पावर को तोड़ना नहीं है। तो प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी विल पावर बढ़ जाती है। अच्छी किताबें, अच्छी वीडियोस, अच्छे मेंटर, अच्छे संगत में रहो तो आपकी विल पावर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। और स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखो, अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को, जो पहले बताया था आपको मैंने, उसके ऊपर भी काम करो। यह भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है हमारी विल पावर के ऊपर। अब बात करते हैं 32वां पॉइंट की। 32वां पॉइंट है हाउ टू वर्क ऑन योर टैलेंट, अपने टैलेंट पर काम कैसे करें। टैलेंट का मतलब क्या होता है, जिस चीज को करने में बहुत अच्छे हो, मतलब जिस चीज़ को करने में आप बहुत बेहतर महसूस करते हो और उसमें आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, वो आपका टैलेंट है। मुझे अगर बोलने में अच्छे नंबर मिलते हैं तो मैं और अच्छा बोलूंगा, और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, अपने सक्सेस के ऊपर काम करूंगा, सेल्स के ऊपर काम करूंगा, मार्केटिंग के ऊपर काम करूंगा, अपने नॉलेज के ऊपर काम करूंगा। ये क्या है, ये मेरी टैलेंट के ऊपर काम करने की जर्नी है। लेकिन अगर आपको अपना टैलेंट पता ही नहीं है तो आपको अपना टैलेंट पता करना होगा। एक होती है हॉबी, एक होता है टैलेंट। हॉबी क्या है कि जो मुझे रोज भाई साहब गेम खेलना बहुत पसंद है मोबाइल में, और टैलेंट क्या है आपका, क्या अच्छा बोल देती हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत दमदार है, आप बहुत अच्छा लिख लेते हो, आप बहुत अच्छा लोगों को समझा देते हो, ये आपका टैलेंट है। आपको उसी के ऊपर काम करना चाहिए जिसमें आपको सब लोग शाबाशी देते हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा काम करो। जब मैं वीडियोस के ऊपर काम करता था, मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई और गांव वालों के लोगों ने देखी, लोगों ने बोला भाई क्या बोलता भाई तू, बहुत अच्छा भाई लग रहा भाई, बहुत अच्छा कर गया एक दिन। और कुछ लोगों ने बेइज्जती भी करी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब सब इज्जत इज्जत करेंगे, कुछ लोग बेइज्जती भी करेंगे। टैलेंट का मतलब क्या है, जिसमें आपको सबसे अच्छे नंबर मिलते हैं। आपने ऐसा सवाल पूछना, मैं क्या करने में अच्छा हूँ, पहला जिस चीज़ में अच्छा हूँ उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ लो, हो गया जो टैलेंट पे काम। ये सबसे बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला है, निचोड़ दे दिया आपको मैंने। चैनल को सब्सक्राइब करना था एक बार, बनता है भाई साहब। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है 33 नंबर, वो है हाउ टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, अपने रचनात्मक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। या आपके ना, मैं मेंटल स्टेट पर काम कर रहा हूँ। मेंटल स्टेट का मतलब क्या है कि रचनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिएट करना। अभी मैं आपके लिए कोर्स को मैंने बनाया, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने 120 पॉइंट लिखे, 20 में से 80 किया, 80 में से 50 किया, 50 में से 44 पॉइंट मैं आपके लेके आया हूँ जो रेलेवेंट है। खाली मैंने ऐसा नहीं कि खाली कुछ भी बोलना है, बहुत बोल दो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके लिए निचोड़ निकाला कि एक्चुअल में ये सब सबके लिए काम करेगा। मतलब एक कैप्सूल अगर किसी ने खा लिया तो वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएगा, क्योंकि मैं इन्हीं पॉइंट को फॉलो करके यहाँ पहुँचा हूँ। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी क्या होती है, किसी चीज़ को क्रिएट करना। आपने एक पॉइंट पकड़ा, अगर आप लिखना, अगर आपको पसंद है, नहीं भी लिखना पसंद है तो आपको मैं आज एक वक्त देता हूँ। आप एक अपने ऊपर एक कहानी लिखो, अपने ऊपर एक कहानी लिखो। जब से आपको थोड़ा सा समझदारी आई, जब से आपने जीवन को समझना शुरू किया, तब से लेकर आज तक आपकी जिंदगी में क्या क्या समस्या आई, क्या क्या परेशानी आई, मतलब एक हिसाब से अपनी पूरी आप बायोग्राफी लिखो। आज तक आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको याद है, क्या क्या समस्याएं आई, उस समस्या से आपने क्या क्या सीखा। जब आप लिखोगे ना, आप अपने दिमाग से सोच सोच के लिखोगे, अपने पुराने बैकअप में जाओगे, वहाँ से निकालोगे और क्रिएटिविटी के साथ आप लिखोगे कि हम ऐसे रहते थे, हमने ऐसे सफर शुरू किया, हम ये करते थे। क्रिएटिविटी है, आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, जो पीछे आपका पास्ट छिप गया था उसको आप छाप रहे हो, क्रिएट कर रहे हो आप। जब आप कोई नया कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई आप नया गैजेट बनाते हो, जब आप कोई नई पेंटिंग बनाते हो तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। जब आप कुछ नया बोलते हो तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, जब आप कुछ नया कर देते हो तो आप क्रिएट कर रहे हो। मैं हमेशा अपने गांव के अंदर, कभी मैं अपने घर में लाइट लगा दिया करता था, कभी लाइट को ठीक कर रहा होता था, कभी मैं कुछ जो है अपने मोटर का पंखा लगा के उसको बड़ा फैन बना दिया करता था। तो कुछ ना कुछ मतलब उलटपटांग क्रिएटिविटी काम करता रहता था। मतलब एक हिसाब से कुछ नया करने की चाह मेरे अंदर हमेशा से थी, आज भी है। इसलिए हमेशा देखते हो, मैं हमेशा डेवलप करता हूँ। आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखना, आज की वीडियोस देखना, आपको बहुत बड़ा अंतर मेरी लाइफ में नजर आएगा। मैंने इसको क्रिएट किया, मैंने सोचा मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो मैं ये होगा, ऐसे बोलूंगा तो ये होगा। तो क्या लगातार क्रिएटिविटी को मैंने पहचाना। अगर आपको अपने रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आप किताबें पढ़ना शुरू करो। जब आप किताबें पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुलता है, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, फिर आप उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट करो, आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ने लग जाएगी और अपनी इसी हिसाब से लगातार आगे बढ़ते रहो, नई चीज़ें क्रिएट करते रहो,
कर, मतलब ये बोलोगा सर क्या बता रहे हो आप, लेकिन ये क्रिएटिविटी वाला काम है, सफल लोग पागल ही होते हैं। और जितने लोगों को भी आप देखोगे, एलन मस्क को देख लो भाई साहब, वो बोलता है जी मैं लोगों को भैया जो मंगल ग्रह में भेज दूंगा, समझदार आदमी बोलेगा मंगल ग्रह में, हम तो आज तक इंडिया नहीं घूमे जी, हम तो आज तक विदेश नहीं घूमे, हम तो आज तक जो है पूरे धरती में नहीं घूमे, तो मैं, अरे पॉसिबल ही नहीं भैया मंगल ग्रह में भेजना, क्या बात कर रहे हो आप। एलन मस्क ने कहा था कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो जा भी सकता है आ भी सकता है, भाई साहब काम कर रहा है उसका, कर भी दिया उस आदमी ने, तो क्या पागल लोगों के साथ हरकतें ऐसी होती है। मैं अपने आप को सफल नहीं बोलूंगा, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है 34वां पॉइंट, वो है मतलबी लोगों को कैसे पहचाने। आप जब जिंदगी में कामयाब हो गए ना, आपके जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अपना मतलब आपसे निकालेंगे और केवल मतलब ही होंगे। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो केवल मेरे साथ मतलब के चक्कर में आते थे और मैं उनको पहचान लेता था और फिर वो मुझसे दूर भी हो जाते थे। क्यों? कारण क्या है? मतलबी लोगों की बहुत बड़ी पहचान होती है, वो केवल अपना सोचते हैं, उन्हें केवल अपनी इज्जत से, अपने काम से, अपने नाम से और अपनी पहचान से फर्क पड़ता है, आपसे फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम बदनाम हो जाए, आपको कोई तकलीफ आ जाए, आपके साथ कुछ भी हो जाए, जब मतलब पड़ेगा बाबूजी करके आ जाएंगे, और उसके बाद जब मतलब निकल जाएगा तो पीछे जाके आपकी बुराई भी करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, मैंने बहुत सारे लोग सफल लोगों के साथ चीट करते हुए देखे, सफल लोगों के साथ जो है मतलब निकालते हुए लोग देखे। लेकिन अब होता क्या है, जो सफल लोग होते हैं ना थोड़ा सा पोलाइट भी होते हैं। अगर आप भी थोड़ा पोलाइट हो ना, अगर आप भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा दयालु किस्म का हो, तो लोग आपसे बहुत मतलब निकालेंगे, बहुत मतलब निकालेंगे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है वो मतलब भी लोगों को आपकी जिंदगी से निकाल देता है। याद रखना, जो भी अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से, और आपको पता लग गया कि केवल अपने मतलब से मेरे पास आया है, अपना उल्लू सीधा करने मेरे पास आया है, उसको पहचान कर उसको अपनी जिंदगी से निकाल देना, क्योंकि अपना उल्लू सीधा करते करते आपको उल्लू बना देगा। ये मेरे साथ बहुत हुआ, ये आपको मैं कुछ सांसारिक जीवन की बातें बता रहा हूँ जो बहुत खतरनाक है। कलयुग में आप जी रहे हो, यहाँ पर कोई भी आदमी सच्चा नहीं है, सब दोगले हैं। कुछ कुछ लोग ही आपको मिलेंगे जो सच्चे होंगे, जो आप दिल से आपके साथ खड़े होंगे। मेरे साथ आज भी ऐसे लोग हैं जो दिल से मेरे साथ खड़े होते हैं। राजेंद्र जी खड़ा हूँ आपके साथ, हार हो जीत हो, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं भी लोगों से कहता हूँ कि भैया मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जो मतलब होते हैं मैं कहता हूँ भैया दूर से राम राम, टाटा नमस्ते, मिलते हैं बहुत जल्द, आपका तथा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की जी, तो मतलब लोगों को पहचानने के बाद अगला पॉइंट है 35 नंबर का, वो है हाउ टू इंक्रीज सेल्फ स्ट्रीम, अपनी नज़रों में खुद की इज्जत कैसे बढ़ाएं। अपनी नज़रों में जब हमारी इज्जत नहीं होती ना, हमारे अंदर गुस्सा आता है, अहंकार आता है, दूसरों को देख के हम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनसे द्वेष भावना रखते हैं। याद रखना, अगर आप दूसरे लोगों की सफलता से चिढ़ते हो, इसका मतलब आपकी सेल्फ स्ट्रीम, आपका आत्मसम्मान है ही नहीं, आप कुछ करते ही नहीं हो, आप बैठे बैठे टाइम पास कर रहे होते हो। जब जिंदगी में आपको अपने सेल्फ स्ट्रीम बढ़ानी होती है, तो आप तब क्या करते हो, अब मैं आपको बताता हूं। अगर आपको अपनी सेल्फ स्ट्रीम बढ़ानी है, सेल्फ स्ट्रीम बढ़ाने का तरीका जो मैंने अपनी जिंदगी में फॉलो किया, सबसे पहला, अगर आप खाली बैठे रहोगे, आप अपनी खुद की इज्जत कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। जब आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो दूसरे आपकी क्या इज्जत करेंगे, दूसरे से क्या उम्मीद करते हो आप। अपना काम सबसे पहले करो, अपने काम को पहले पूरा करो, उसके बाद लगातार सीखते रहो, लगातार सीखते रहो। तीसरा चीज, लगातार खुद के धर्म के साथ जुड़े रहो, खुद की जिस भी धर्म से आप हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, उस धर्म की किताबें, उस मजहब के रूल्स को भी आप फॉलो करो, उनसे भी आप सीखो, क्योंकि वह भी आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ावा देते हैं, आपको मानसिक शांति देते हैं। जब तक आप खुद के, मतलब खुद की नज़रें क्या होती हैं, खुद के नज़रों का मतलब होता है, जब आप खुद की नज़रों में सफल होते हो, खुद की नज़रों में काम करते हो, खुद की नज़रों में आप अच्छे होते हो, दुनिया क्या बोल रही होती है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस चीज़ को समझा, मैं अपना काम टाइम पे करता हूँ, मैं कभी भी जो है काम को टालता नहीं हूँ, ताकि मैं अपनी खुद की नज़र में गिर जाऊँ। जो बोल दिया वो करना है तो मतलब करना है। इस कोर्स के बारे में आपसे बोल रहा था कि दूंगा कोर्स, मतलब दूंगा और वो दे भी रहा आपको कोर्स, अपनी जबान से मुकरा नहीं मैं। अगर मैं यूट्यूब में बोल देता कि जी मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, आ जाओ, और मैं कोर्स लेके नहीं आता, मतलब मैं खुद की नज़रों में गिर रहा होता। थोड़ा कोर्स बनाने में समय लग गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, बट फिर भी मैंने अपने काम को पूरा किया, तो मुझे गर्व है अपने आप पर। और मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आपके बारे में लोग क्या बोलेंगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। आप अपनी नज़र में खुद की इज्जत करने वाले होने चाहिए, दुनिया इज्जत करने का क्या फर्क पड़ता है ना। लोग ऊपर वाले को नहीं छोड़ते हैं, तो हमें क्या छोड़ेंगे, हम तो इंसान हैं। तो खुद को मजबूत बनाओ, खुद की नजर में रिस्पेक्ट पाओ, और अपने काम को पूरा करो, लगातार सीखते रहो, और किसी का बुरा मत करो, किसी का द्वेष मत रखो, किसी से चिढ़ो मत, क्योंकि ये आपकी नजर में आपको गिरा देता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 36 की, वो है हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएं, अपने काम करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। प्रोडक्टिविटी को यूज करने का मैं तरीका बताता हूं। हमारा ना हर किसी का एक बॉडी टाइम होता है, एक बॉडी क्लॉक होती है। इसका मतलब यह होता है कि हर समय ना हम बहुत ज्यादा
मतलब पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा काम करने वाले नहीं होते हैं। कभी कभी हमारी एनर्जी बहुत लो होती है, सुबह सुबह उठते हैं तो बिल्कुल ऐसे घूमते हैं, अरे लगता है कि दिन ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया। और कभी कभी सुबह बिल्कुल विल पावर के साथ, अरे आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद नाश्ता वास्ता करा, थोड़ा बहुत एक आध घंटा घूमा, फिर बिल्कुल धीरे धीरे, अरे काम नहीं कर रहा आदमी, इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो। तो ये क्या है ना, ये प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। एक बॉडी क्लॉक होती है। बॉडी क्लॉक क्या होती है, जैसे मेरी बॉडी क्लॉक क्या है, मैं सुबह जब उठता हूँ तो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है। उस समय मैं किताब पढ़ता हूँ, उस समय मैं वीडियोस देखता हूँ, कोर्स कंप्लीट कर रहा होता हूँ, नोट्स बना रहा होता हूँ, उस समय बहुत तेजी का सीख रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा क्वालिटी टाइम है, वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है, उसमें मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है। उसके बाद जैसे ही मैं सुबह उठ के नाश्ता वास्ता करता हूँ, उसके बाद 9 बजे के बाद मेरी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। उस समय मैं काम ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, मैं मीटिंग ले लेता हूँ, मैं जो कस्टमर से बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे मेरी एनर्जी उतनी खास नहीं होती है। लेकिन शाम को 4 बजे के बाद, रात को 1 से 2 बजे के बीच में, मतलब 5 से 7 घंटे के बीच में मेरी एनर्जी बहुत पीक पे होती है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो रात के बज रहे हैं अभी 10, तो 10 बजे वीडियो शूट हो रही है, तो मेरी एनर्जी जब हाई होती है तभी मैं आके वीडियोस बनाता हूँ, तभी आपको एनर्जी फील होती है, तभी मैं दिल से कुछ आपको बता पाता हूँ। तो अपना बॉडी टाइम आप फिक्स करो, आपके बॉडी क्लॉक क्या है, आप किस समय बहुत एनर्जेटिक फील करते हो और किस समय बहुत लो फील करते हो, उसको समझो, उसके हिसाब से काम करो, उस समय पढ़ो, उस समय सीखो और बाकी काम निपटा दो। बाकी जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह अपना सारा प्रोडक्टिव काम निपटा देता हूँ, फटाफट वीडियो देख ली, कोर्स देख लिया, उससे क्या सीख लिया, दिन में अपना भारी काम निपटा लिया, कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो मैं दिन में करता हूँ। और शाम को फिर लिखता हूँ, फिर वीडियोस बनाता हूँ, फिर अपनी टीम से बातचीत करता हूँ, फिर नई प्लानिंग कर रहा होता हूँ। तो ये क्या है, बॉडी क्लॉक है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो आपकी बॉडी क्लॉक क्या है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई साहब फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 37 की, वो है हाउ टू बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या का समाधान ढूंढने वाले कैसे बने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समस्या है जी, समस्या जिंदगी में समस्या है। मतलब भाई साहब तुम पैदा हुए तुम्हारे ये समस्या है, फिर जो समस्या को समस्या समझता है। समस्या के पीछे हर एक समाधान जन्म लेता है। मैं पहले बहुत करता था, फिर मैंने किताब पढ़ी, मैंने अपने मेंटर से समझा कि हर प्रॉब्लम के साथ एक उसका सॉल्यूशन निकल के बाहर आता है। अगर मान लो मैं किसी समस्या में हूं तो उसका कोई समाधान भी तो होगा। अगर मुझे भूख लग रही है तो उसके लिए खाना भी तो है। अगर ऊपर वाले ने भूख को जन्म दिया है तो उसने भाई साहब हमारे लिए साग सब्जी अनाज को भी तो जन्म दिया है। अगर हमें प्यास दी है उसने तो उसने हमारे लिए पानी भी तो बनाया है। प्रॉब्लम क्या है, प्यास लग गई, समाधान क्या है, पानी पी लो। भूख लग गई, समस्या है, समाधान क्या है कि खाना खा लो। भाई साहब अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो देखो तो सही कहाँ पर दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, उनका काम ही जिंदगी में ये, रोते रहेंगे वो, बिल्कुल कर्म फूटे हो जाते हैं वो बस उनके लिए एक समस्या आ गई, कहेंगे उस समय वो समस्या आई थी, वो नहीं होती तो आज मैं नहीं होता। अरे सारे सफल लोगों की कभी कभी बायोग्राफी देखना, कभी बायोग्राफी पढ़ना, हर किसी की लाइफ में एक एक समस्या का समाधान उन्होंने निकालने के ऊपर ध्यान दिया। समस्या उनकी जिंदगी में भी थी, समस्या मेरी जिंदगी में भी थी, मैंने भी समाधान निकाला ना। मैं भी तो गांव में था, रोड नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, एजुकेशन नहीं, मैं भी तो आज ये काम कर रहा हूँ ना। मैंने तो समस्या का जो है वो नहीं किया कि अब मैं गाँव में फंस गया जी, मेरे घर वाले यहाँ रहते जी, अपने परिवार को तो मैंने नहीं कोसा, आपने मुझे पता था। अगर भाई मुझे कोई होने नहीं दिया, अब इससे बड़ी बात हो कर सकती है। अब जिंदगी में मुझे कामयाब होना है तो मुझे रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे। जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। रास्ता तो बनाओ आप, रास्ते में चलना तो सीखो आप, रास्ता ढूंढना तो सीखो आप, आगे तो बढ़ना सीखो आप। अब मान लो सर्दी के टाइम में आप गाड़ी लेकर निकल रहे हो, अब क्या होता है, कोहरा होता है, कोहरा। अब लाइट जो होती है बहुत दूर तक फोकस नहीं कर रही होती है, हल्का हल्का फोकस कर रही होती है। अब जब मैं फैक्ट्री में काम करता था, मेरे पास गाड़ी थी यामाहा क्रश के 2004 मॉडल की, तो क्या होता था कि जब मैं आ रहा होता था रात को तो पूरी तरीके से कोहरा पड़ा होता था, बिल्कुल हेलमेट पूरा गीला, ऐसे पोछ के जो आगे आ रहा होता था, तो क्या होता, लाइट थोड़ा सा आगे पड़ रही होती थी, तो मैं हौले हौले चलता था दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, चौथे गियर में, तो रास्ता दिखता दिखते जाता था, मैं चलते जाया करता था। तो क्या हुआ, जितना रास्ता दिखा गाड़ी चलाई, फिर आगे का रास्ता अपने आप दिख गया। तो समाधान अगर मिल नहीं रहा है तो जहां तक समाधान मिल रहा है वहां तक जाओ, आगे का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 38 की, वह है दिखावे से बचें, शो ऑफ से बचें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अपने पिताजी की, अपने दादाजी की संपत्ति बेचकर बहुत बहुत दिखावा करते हैं। बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना आपको, ऐसा कभी नहीं करना आपको। अगर आप खुद भी कमाई कर रहे हो ना तो कभी भी दिखावे के ऊपर जिंदगी मत जीना। उसको दिखाने के लिए मैंने गाड़ी ली है, उसको दिखाने के लिए मैंने फ़ोन लिया है, उसको दिखाने के लिए मैंने कपड़े लिए हैं, उसको दिखाने के लिए मैंने जूते लिए हैं, उसको दिखाने के लिए मैंने घड़ी ली है, उसको दिखाने के लिए मैंने भाई साहब अपनी ज़िंदगी को रंगीन किया है। अरे किसी को क्यों दिखाना है, जो करना है अपने लिए करना है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको अपने लिए लो। जब आप किसी चीज़ का दिखावा नहीं करते हो ना, जब आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है, लोगों को अपने आप दिख जाती है कि यार वाह यार ग्रेट, क्या बात है यार,
अगर आप किसी को दिखाते हो ना, लोग आपके पीछे आपकी बुराई कर रहे होते हैं कि बाप का पैसा उड़ा रहा है, दादा का पैसा उड़ा रहा है, अपने परिवार का पैसा उड़ा रहा है, अपने पैसे को आग लगा रहा है, इस तरह से लोग बोलते हैं, तब लोग आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। दिखावा कभी मत करो, दिखावा करोगे तो दिखावे के चक्कर में गरीब बन जाओगे अमीर। दिखने में अमीर होने में दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। अब आप बोलोगे राजेंद्र जी आपने भी थार ली, आप भी जो है बड़े बड़े फोन रखते हो, आप भी महंगे फोन रखते हो, आप भी जो है अपने अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हो, तो मैं बोलता हूँ किसी को कि देखो जी देखो मेरे पास इतना महंगा फोन है, देखो जी देखो मेरे पास थार है, अरे मैंने ले ली तुम तो ले नहीं सकते, अरे ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, ये मैं तो नहीं बोलता ना किसी से। मैंने ले ली अपने शौक से लिए, मैंने ले ली अपने शौक से लिया हुआ है, जो मैं कर रहा हूँ अपने शौक से कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे राजेंद्र जी मतलब दो पैसे आ गए तो आप ऐसा बोलने लग गए हमसे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब आप अमीर बन जाओगे ना, कामयाब हो जाओगे, उस दिन आप और मिल थोड़ी पाएंगे ऐसे, आप मेरे को देखोगे थोड़ी। इसलिए कह रहा हूँ जिस दिन पैसा आता है ना उस दिन बुद्धि भटकती बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत सारे लोगों को भटकते हुए देखा है, पैसा लाख रुपए जेब में आए नहीं, चश्मा आ गया, गाड़ी आ गई नहीं, सारा ईएमआई में सब कुछ कर लिया, लोगों को दिखाने के लिए कर दिया। क्यों दिखा रहे लोगों को, क्या होगा लोगों को दिखा के? पहले इतना बन जाओ कि उसका जैसे 15-20 ऐसे खड़े कर दोगे, तब जाके आके बात करो ना। मेरा एक रूल है, जब भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, अगर मैं उस चीज़ को 3 बार कैश में नहीं खरीद सकता, 3 बार उसको मैं एक साथ नहीं खरीद सकता, तब तक मैं उस चीज़ को बाय नहीं करता हूँ कभी जिंदगी में अपनी। ये मेरा रूल है अपनी जिंदगी का। पहले मैं उस चीज़ को खरीदने के लिए 3 बार उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा, तब जाके मैं उस चीज़ को मेंटेन करने लायक हूँ। नहीं करूंगा तो भाई साहब फिर फाइनेंशियल नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? दिखावे से बचो सबसे पहले। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 39 की, वो है हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? तनाव को कम कैसे करें, डिप्रेशन को कैसे हटाएं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब है किसी समस्या को लेकर, किसी कारण को लेकर हम उस चीज को स्ट्रेस में लेने लग जाते हैं और हम अपने दिमाग में प्रेशर डालते हैं, तो जिससे डिप्रेशन क्रिएट होता है, जिससे लोगों को समस्याएं होती हैं, तनाव पैदा होता है, तनाव मुक्त नहीं हो पाते। कई बार लोग रिश्ते को लेकर तनाव में पड़ जाते हैं, कई बार लोग बिजनेस को लेकर तनाव में आ जाते हैं, कई बार लोग खुद को लेकर तनाव में आ जाते हैं, कई बार लोग अपने भविष्य को लेकर तनाव में आ जाते हैं, और कई बार लोग ऐसे तनाव में आ जाते हैं मतलब कुछ काम नहीं है तो ऐसे तनाव में आ गए। वो कहते नहीं है चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। जो काल्पनिक आपकी जो इमेजिनेशन के बेसिस पे आपका डिप्रेशन है, जो इमेजिनेशन के बेसिस पे आपका तनाव है, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो मतलब आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। लेकिन अगर एक्चुअल में कोई डिप्रेशन का कारण है तो उसको समाधान ढूंढो। मैंने आपको क्या बताया था पीछे, समाधान ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो। कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि कई बार मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, बस तनाव में जाते मैं शट से बाहर निकल आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोगों से कांटेक्ट करता हूँ। अगर मान लो मुझे समस्या आ रही, मैं कहता हूँ अरे मुझे समस्या आ रही है, इसका समाधान आपके पास है, मुझे ना तकलीफ आ रही, मेरे पेपर नहीं बनने, कोई आपके पास समाधान है, या फिर ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है मेरे साथ, क्या उसके बाद आपके पास कुछ इसका कुछ सजेशन है, उससे पूछता हूँ जो उसके बारे में जानता हो, जिसको उसके बारे में जानकारी हो, उससे पूछूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ आकर रेफरेंस दे देता है वो, तो मैं उसको जाके कर लेता हूँ। अब बीच में क्या होता है, मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे थे, तो मैंने 5-6 लोगों से पूछा तो मुझे समाधान मिल गया, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसलिए कि मेरे पेपर नहीं बन रहे हैं, हाय राम क्या करूँ, अरे बर्बाद हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट 40वें नंबर पॉइंट की, वो पॉइंट है हाउ टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए टाइम कैसे निकालें? जिंदगी में आप कुछ भी करो, जिंदगी में आप कितनी तरक्की भी हासिल करो, जिंदगी में आप कितनी तरक्की हासिल करना चाहते हो, तो बिना अपने लिए समय निकाले आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अपने लिए समय निकालना सीखो, रोज अपने आप से 1 घंटा बैठकर बातचीत करो, रोज अपने आप के लिए 1 घंटा निकालो, अकेले शहर में जाया करो, अकेले घूमने चले जाओ, अकेले गाड़ी लेकर चले जाओ, अकेले वहां छत में जाकर बैठ जाओ, अकेले जाकर किताब पढ़ो, अकेले जाकर खुद से क्वेश्चन आंसर करो, अकेले जाकर खुद के बारे में सोचो मैं और क्या सकता हूं। मैंने क्या कहा था आपसे, क्रिएटिविटी को जन्म देना है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अकेले रहना सीखो, रोज अपने आप के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको होना चाहिए, क्योंकि आपसे आप हो, जब आप हो तब सब कुछ है, जब आप नहीं हो तो फिर क्या है? आपको खुद ही पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, जब हनुमान जी अपनी ताकत भूल चुके थे तो उनको ऐसा श्राप मिला था कि तुम अपनी ताकत भूल जाओगे, क्योंकि बहुत उत्पात बताया करते थे, है ना? अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, तो जामवंत जी ने जब सीता हरण हुआ और लंका जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी ताकतें गिनाई थी कि तुम वो हो जिसने सूरज को निकल लिया था। जब उनको वो शक्तियां याद दिलाई गई तो दोबारा वो अपने शक्तियों के साथ खड़े हुए, और उसके बाद क्या हुआ, लंका में क्या हुआ, वो हम सभी को पता है, हम सभी ने उस चीज को पढ़ रखा है। तो अपनी ताकत को जानने के लिए अपने आपको समय तो दो, अपने लिए कोई मेंटर तो ढूंढो, अपने कोई गुरु तो ढूंढो जो आपको आगे बढ़ा सके। जब आपके कोई मेंटर नहीं है, गुरु नहीं है, तो खुद के मेंटर बनो, खुद की ताकतों को समझो, खुद की वीकनेस को समझो, उसके ऊपर काम करो। उसके ऊपर काम करने के लिए रोज 1 घंटा निकालो, देखो जिंदगी में बड़ा करना है तो नहीं तो भैया पिताजी पास बहुत ज्यादा जायदाद है, भैया बना बनाया बिजनेस है, फिर तो आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, आप उसके ऊपर काम को करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 0 पे हो, आप कुछ नहीं है आपके पास,
तो आपको बिल्ड करने के लिए अपने आपके ऊपर टाइम देना होगा, तभी जाके जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अगर मैं कह रहा हूं इस कोर्स को आप 8 साल के बच्चे को भी दिखा दोगे ना, तो वो 8 साल का बच्चा समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पॉइंट आपको क्या बता रहा हूं ताकि आपको जिंदगी में याद हो कि ये चीजें भी होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। मैंने क्या कहा था, 120 पॉइंट थे, बहुत लंबी वीडियो थी, मैं पूरा इसको आपको 60 दिन का कोर्स लगातार देने वाला था, पर मैंने इसको एक कोर्स में कन्वर्ट किया ताकि आप एक ही बार में सब कुछ देख पाओ, एक ही बार में समझ पाओ। अब पॉइंट नंबर 41 है, वो है अपने आप को उलझनों से कैसे बचाएं। उलझन का मतलब क्या होता है, जब भी आप जिंदगी में कामयाब होने जाओगे ना, तो आपको बहुत उलझने आएंगी, अब अननेसेसरी परेशान होगे। कोई आपको घर वाला ये काम बता देगा, कभी आपको दोस्त बुला लेगा, जैसे मैं आपको बता रहा था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कभी बोलेगा भाई मेरा ये काम कर दे, कभी बोल वहां चले जा, कभी आपका ये काम छूट जाएगा, कभी आपका वो काम छूट जाएगा, आप उलझन में आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। अपने आप को उलझने से हमेशा बचाना। उलझने का मतलब क्या है, किसी से उलझना, किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी उलझने से बचना। किसी को जवाब ऐसा मत देना जिससे आप उलझ जाओ, कोई ऐसा काम मत करना जिससे आप फंस जाओ, कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपका टाइम खराब हो, कोई ऐसा काम मत करना जिससे आप नीचे गिरे। ये आपको सब चीज़ें उलझाएंगी, आपको प्रकृति उलझाएगी, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप मजबूत बनो, और मजबूत के साथ साथ वो आपको टेस्ट भी कर रही होती है कि ये काबिल है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि खाली मैं इसको तरक्की के रास्ते में बढ़ा रही हूँ और ये आदमी जो है मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है और ये भटक जाता है बहुत जल्दी। मैंने बहुत सारे लोगों को उठते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को नीचे हुए भी देखा है अपने करियर के अंदर इस 2.5 साल के अंदर। मैं जानता हूं जब पैसा आता है तो बुद्धि फिरती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 42 की, वह है हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, लगातार कैसे बने रहें। लगातार का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रख सकें। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, सब कुछ अच्छा हो गया, गाड़ी ले ली, सब कुछ हो गया, बढ़िया सब कुछ हो रहा है, तो मैं हो गया ना, मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन के अंदर आ गया, मैं काम नहीं करने लगा, मैं घूमने चले गया, मैं गांव चले गया, मैं दोस्तों का मस्ती मार रहा हूं। तो अचानक एक दिन मैं रात को आया, अपने घर आया गांव में, और मैं सोया, तो मैंने अपने आप से पूछा मैं क्या कर रहा हूं अपने साथ ही, मतलब मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा से वही वाला जो राजेंद्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, जो पहले मैं था, जो मैं नहीं बनना चाहता हूं, मैं दोबारा उसी रास्ते में चलने लग गया था। मैं तुरंत उस रास्ते को छोड़ा, अगले सुबह उठा, सबको तैयार किया, वापस जो है अपने ऑफिस आया, यहाँ के सब कुछ लोगों से मिला, अपनी टीम से मिला, बातचीत की, प्लान बनाया, काम करने के तौर तरीके बनाए, उसके बाद लोगों से फिर जो है कस्टमर से बात करना शुरू कर दी, दोबारा से उसी ट्रैक में आ गया। तो कई बार क्या होता है, सफलता हमें बहुत आरामदेह कर देती है, लेकिन जब आप आरामदेह स्थिति में जाने लगोगे, समझ जाना कि आपका पतन होना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप आरामदेह स्थिति में जाना शुरू कर दोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब यह अपने आप को याद दिलाते रहो आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजॉय मत करो, परिवार के साथ टाइम मत बिताओ, दोस्तों के साथ घूमो मत, फिरो मत, पार्टी मत करो, सब करो भाई, सब कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा कि वही करना चाहिए जिंदगी में, बस वही करे जा रहे हो, वही करे जा रहे हो, कुछ है ही नहीं काम धंधा भाई साहब, लगे उसी में, कंसिस्टेंसी तो गई भाई साहब इधर उधर, है ना, मतलब ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। तो अब क्या, कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन किस चीज से आएगा, डिसिप्लिन आएगा आपकी हैबिट से, जो मैंने आपको पहले बताया था, डिसिप्लिन आएगा आपकी बॉडी फिट रहने से, डिसिप्लिन आएगा आपके गुरु के रहने से, डिसिप्लिन आएगा आपके काम में होने से, डिसिप्लिन आएगा आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होने से, डिसिप्लिन आएगा आपके पर्पस से, जिसको आपने कहा कि मैं इसलिए ये करना चाहता हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा। कंसिस्टेंसी देखो बरकरार रखने के बहुत सारे तौर तरीके, ट्रिक मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको जो बता रहा हूं जो होता है, देखो डिस्ट्रैक्ट हर कोई होता है, डिस्ट्रैक्ट मैं भी होता हूं, डिस्ट्रैक्ट जो है सफल इंसान भी होता है, हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है, बट डिस्ट्रैक्शन में जाने के बाद दोबारा डिस्ट्रैक्शन में जाओ, गलती करो, दोबारा गलती मत करो, ताकि आप अपने आपको सेट ट्रैक पर लेके आ पाओ और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ पाओ। बात करते हैं पॉइंट नंबर 43 की, बी सेल्फिश बी सक्सेसफुल। पहले खुद का कल्याण करो, तो दुनिया के बारे में सोचो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हम कामयाब होना चाहते हैं, इसके लिए जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और भाई साहब खुद के बाद उनके पास कुछ नहीं होता। पहले खुद का कल्याण करो, पहले खुद को सक्सेसफुल बनाओ, तभी तो लाके लोगों की हेल्प कर पाओगे आप। आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा, आपके पास तरक्की नहीं होगी, किसी की मदद कैसे कर पाओगे आप। तरक्की मदद होती है पैसों से, मदद होती है मॉनेटरी बेनिफिट से, मदद होती है किसी की पैसे देके हेल्प करने से। मदद खाली बोल के नहीं होती है, बोलने में और करके दिखाने में अंतर होता है, कहने में और समझने में अंतर होता है, सुनने में और उस चीज को समझा के बोलने में अंतर होता है। पहले खुद का कल्याण करो, पहले खुद आगे बढ़ जाओ, पहले खुद सेल्फिश बनो, पहले खुद को कामयाब बनके दिखाओ, फिर वही चीज़ें सबको सिखाना शुरू कर दो। अब मैं अगर कामयाब नहीं होता और मैं आपको पहले दिन से आके बता रहा होता भैया ऐसे कामयाब होना चाहिए, ऐसे पर्सनालिटी बनाने चाहिए, आप बोलते भाई साहब पहले खुद तो कुछ कर ले, तू खुद तो झोपड़ी में रहता है, तो हमको आके ज्ञान दे रहा है। अब मैंने कुछ किया तभी तो आपको मैं आके बता पा रहा हूँ ना, सेल्फिश बनो। सेल्फिश का मतलब ये नहीं होता किसी का छीन के खा लो, किसी का लूट के खा लो, किसी को मार पुट के भगा दो, डॉन बन जाओ, सेल्फिश का मतलब ये नहीं होता। सेल्फिश का मतलब होता है पहले खुद को कामयाब बनाओ, तब लोगों की जाके हेल्प करो। अगला पॉइंट नंबर है 44, जिसका नाम है लर्न टू टेक रिस्क। रिस्क लेना सीखो जिंदगी में, थोड़ा सा ना अपने आप को
अनकंफर्टेबल जोन के अंदर भी डालना सीखो, रिस्क लेना सीखो। अब बीच में क्या हुआ, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मुझे पता नहीं था, मैं गांव का लड़का था, मैंने हाई स्कूल पास किया था और मुझे इंग्लिश ना पढ़ने आती थी ना बोलने आती थी, ना कि मैं समझता था, ना मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान था, लेकिन तब भी मैंने रिस्क लिया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी बिजनेस के अंदर और फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया और देखते ही देखते आज यहां तक मैं पहुंच गया। अगर मैं रिस्क नहीं लेता, मेरे परिवार में, मेरी माता जी ने, मेरे आस पड़ोस ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर के अंदर जब मैं काम शुरू कर रहा था, मेरे मम्मी ने रोका मुझे कि बेटा ये काम बड़े बड़े लोगों को होते हैं, मेरे गांव वाले लोग, अरे तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू क्या फालतू काम कर रहा है, कंपनी जाके 5,000 की नौकरी कर ले जो कर रहा था आज तक वो कर। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे डिमोटिवेट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे लताड़ा, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने रिस्क लिया और काम किया और लोगों को प्रूफ करके दिखाया। तो रतन टाटा जी बोलते हैं कि मैं पहले फैसला ले लेता हूं फिर उस फैसले को सही करके दिखाता हूं। तो पहले फैसला लो, रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी संपत्ति पकड़ ली, सब कुछ बेच बाज के सब दे दिया और लास्ट में आपको पता भी नहीं था कि होना क्या है क्या नहीं होना है, सब कहानी खत्म हो जाएगी। अब बीच में क्या हुआ आपको बताता हूं, अपने घर की कहानी बताता हूं। मेरे भाई ने एक ऐप थी, उसमें कुछ पैसे लगा के कुछ पैसे बनते थे, तो मेरे भाई ने क्या किया, कुछ मेरे ख्याल से 1,00,000 रुपए के आसपास उसने पैसे जीत लिए उसमें। अब मेरे भाई ने मुझे फोन किया और फ़ोन किया तो उसके जो पैसे थे वो ब्लॉक हो गए। उसने कहा कि भैया ऐसा ना, मुझे पैसे निकालने हैं और पैसे निकालने के लिए मुझे जो है वहाँ पर 10,000 रुपये डालने हैं। तो मैंने कहा यार 1,00,000 रुपये बोला मैं से कमाए, 10,000 रुपये निकालने में ठीक है 10,000 ले ले। इसने 10,000 रुपये दिए, वो पैसे इसके ब्लॉक हो गए। अब वहाँ से कंपनी वालों का फोन आया कि सर आपने इसमें 10 और डाल दो। इसने 10 और डाल दिए, उन्हें बोला सर 10 और डालो आपके पॉइंट रिडीम हो जाएंगे। 10 और डाल दिए, फिर 10 और निकाले, फिर और डाल दिए, कितने हो गए जी 30,000 हो गए। उससे पहले भी 5-10,000 जो डाल चुका था मुझसे बिना बताए, तो क्या हुआ 40,000 का नुकसान हो गया। और बाद में पूछा मैंने क्यों हुआ, कह रहा मुझे पता नहीं था कि इसमें ऐसा भी होता है, मतलब अनजाना रिस्क ले लिया, कैलकुलेटर रिस्क नहीं लिया, जानकारी नहीं ली, बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया और 40,000 का नुकसान हो गया। तो हमेशा मैं कहता हूं कि कैलकुलेटर रिस्क लो, 40,000 का नुकसान नहीं होता अगर वो समझ जाता पहले कि मुझे मेरे फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे को ये डुबा रहे हैं, मेरे को ये खाली फ्रॉडगरी करके बच्चा समझ के मुझे जो है मुझसे पैसे ऐंठ रहे हैं। तो इसलिए आपसे कहता हूं कैलकुलेटर रिस्क लो कि मैं आज इस बिजनेस को कर रहा हूं, क्या इस बिजनेस में मेरी कोई स्किल सेट का काम है, कितने लोग सफल हुए हैं, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कैसे काम करते हैं, कितने लोग इसमें सफल होते जा रहे हैं, कितने सफल होने के चांसेस हैं, कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कौन सी स्किल सीखनी पड़ेंगी, कितना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी मेहनत लगेगी, तब जाके आप उस काम में कूदो। अब बिना समझ समझ के कूदोगे तो फिर गए ना, डूब गए ना फिर तो सारी दुनिया, भाई कोई भी कूद मारे तो आप भी कूद मार लो जी। उसने वो मैंने पूछा भाई क्यों कूद मारा था, भाई मैं सब कूद मार था, मैंने भी कूद मार दिया, ये नहीं होता ना भाई साहब, इसमें कोई वो तो नहीं, ये तो लॉजिक है नहीं ना। इस रिस्क के पॉइंट को समझाने के बाद, इस पूरे कोर्स को आपको एक कैप्सूल में बना के देने के बाद, अब आपके लिए कॉल टू एक्शन क्या है कि इन कॉल टू एक्शन को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, जो भी आपने इस वीडियो में नोट्स बनाए थे, जो भी आपने इस वीडियो में सीखा समझा, क्या सीखा आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और क्या इसको आप इंप्लीमेंट करोगे, कोर्स कैसा लगा लोगों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।